टाइम लगेगा आने में। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग? आवाज आ रही है? बता दो यार, आवाज आ रही है क्या? आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्या? आप लोगों को मेरी आवाज भी आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग? सब लोग कैसे हैं? स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपने इस करंट अफेयर्स के अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर के लिए आपके लिए करंट, एकदम करंट अफेयर्स की न्यूज़, जो कुछ 3-4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले या सितंबर के मंथ में जो घटे हुए इवेंट्स हैं उनको ही डिस्कस करने वाला हूं। पुराने इवेंट्स नहीं हैं, एकदम नए नए, ताजा ताजा, एकदम फ्रिज से निकले हुए इश्यूज होंगे। ठीक है, जय हिंद जय हिंद। सब लोग को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। शुभम गुप्ता, रजांशु, मनीष, अमन, जितेंद्र, अनुपम, मनीष यादव, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आ जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही गजब के टॉपिक्स होने वाले हैं। मैंने खास फोकस इस टॉपिक पे दिया है। आपको मैं बताऊंगा कि क्या नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है रिसेंटली। अभी 3 दिन पुरानी बात है जब ये टेस्ट हुआ है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो टेस्ट नॉर्थ कोरिया ने किया उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में हम लोग यहां पर बात करेंगे कि ये क्रूज मिसाइल जो टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया आप जानते हैं उनके जो शासक हैं किम जोंग, वो क्या भैया उल्टी खोपड़ी के हैं, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो हम समझेंगे कि जियोपॉलिटिक्स के एंगल से कि ये नॉर्थ कोरिया ने जो किया है, वो जो क्रूज मिसाइल्स उन्होंने टेस्ट करी हैं वो कैसे डिफरेंट होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल से। बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगा। ठीक है, सब लोग आ जाओ फिर जल्दी जल्दी और हम लोग शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। राज टैलेंट, राकेश, राजपाल, जितेंद्र, प्रांशु, क्रेजी यार, अगर मैं चैट्स के नाम पढ़ पा रहा हूं ना तो तुम लोग फिर एक्टिव ही नहीं हो। आशीष, प्रियांशु, सचिन, शुभदार, पाल पलक, राजपाल, हर्ष, सोनी, नंद किशोर, मिलन, रिद्धि, अरमान, नीलेश, गीता, क्रिश, ऋषभ, आ जाओ यार जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। ये सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे। साथ में बता दूं, बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो डिमांड आ रही थी कि सर बाइलैटरल एक्सरसाइजेस पे एक वीडियो ले आइए, तो आज मैं आपको सारी जितनी इंपॉर्टेंट बाइलैटरल एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया की दूसरे देशों के साथ, उनको मैं आपको आज बताने वाला हूं। साथ में हम लोग देखेंगे कि इंडिया अर्थ का, पूरे धरती का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है वो भी यहां पर खोज लिया गया है। पहले कुछ और था, अब यहां पर दूसरे एक और आइलैंड नया खोजा गया है, उस पर बात करेंगे। साथ में आप देख सकते हैं और कई सारे ऐसे इश्यूज है जिस पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ यार, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। बातें इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होंगी। इंग्लिश की क्लासेस में देर इज अ बिट, ठीक है कोई बात नहीं, बट जब ये शुरू होंगी इट विल बी ऑन फुल फ्लो। और जैसे कि मोहित सर भी आप लोगों को कल बता गए थे, डेफिनेटली वी आर प्लानिंग, देर आर मेनी थिंग्स फॉर यू ऑल स्टिल कमिंग अप। ठीक है, तो हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं जिसके तहत कभी कभी कुछ बिजीनेस हो जाती है। ठीक है, तो चलो गुड इवनिंग एवरीवन, शुरू करें शुरू करें। मजेदार चीजें होंगी, बहुत ध्यान से सुनना, बातों को बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है, हाँ भाई हाँ, शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। हम लोग आपको ऐसे ही पढ़ाते रहे, यही हम लोग चाहते भी हैं। शुरू करते हैं यार, ज्यादा और बातें नहीं करेंगे। ठीक
ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, जहां पर पिक्चर्स ऐसी आएंगी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अब चलिए इसको पढ़िए, यहां पर ये क्या चीज लिखी हुई है, लेट्स प्लीज रीड दिस आउट। देखिए यहां पर अब आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्स न्यू लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल दैट पोजेस कंसिडरेबल थ्रेट। तो यार देखो साफ साफ यहां पर इन्होंने यह कह दिया कि नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा टेस्ट किया है फर्स्ट। देखो उन्होंने क्या बोला, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहां उन्होंने यूज किया है कि इट इज अ लॉन्ग रेंज, क्या बोला गया है, लॉन्ग रेंज कहा है इसको, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल यहां पर टेस्ट कर ली है। तो क्या इससे पहले इन्होंने कभी कोई इस तरह की क्रूज मिसाइल्स टेस्ट नहीं करी थी नॉर्थ कोरिया ने? नहीं जी, ऐसा नहीं है, नॉर्थ कोरिया ने इससे पहले भी क्रूज मिसाइल्स टेस्ट करी थी, बट ये अब एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल होने वाली है जो इसको अलग यहां पर एक अलग इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको और भी चीजें बताता हूं कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है। देखिए यहां पर आपको यह भी रूटर्स ने लिखा कि नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट कर लिया है पहला स्ट्रैटेजिक, नाउ सी दिस वर्ड जो उन्होंने यहां यूज किया है कि स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल को यहां टेस्ट किया है और इसके अंदर यह मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल भी हो सकती है, ये अंदेशा यहां पर लगाया जा रहा है। तो यार देखो क्या हुआ है, मैं तुमको बता देता हूं, नॉर्थ कोरिया पे इससे पहले आप जानते होंगे कि सैंक्शंस लगाए गए थे, ठीक है, उसके ऊपर सैंक्शन लगे थे क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्ट करता रहा और इसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए। तो ये सैंक्शन लगे हुए हैं उसके बाद भी क्या नॉर्थ कोरिया ये टेस्ट कर रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, नॉर्थ कोरिया पर जो टेस्ट जो अभी सैंक्शन लगे थे वो न्यूक्लियर केपेबल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए मना किए गए थे कि उसका टेस्ट वो नहीं करेगा। तो यहां पर नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है, लेकिन ये एक लॉन्ग मिसाइल होने वाली है, ये लंबी मार करने वाली है। तो रिसेंटली यहां पर जो टेस्ट हुआ उसमें आप देखेंगे कि ये आपको प्रिसाइजली बताऊं तो 1500 किलोमीटर की रेंज का यह मार कर सकता है, 1500 किलोमीटर। अब पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो क्रूज मिसाइल होती है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या चीज यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर रही है। जरा इस पिक्चर को देखने की कोशिश करिए, होपफुली आप ये चीज देख पा रहे होंगे, लाइट्स कम जितनी हो सकी है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए जरा, देखो यार आपको यहां पर जो ये रेड कलर की लाइन दिख रही है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये है आपकी अर्थ, ठीक है, दिस इज योर अर्थ, ये है आपकी अर्थ बेटा, ठीक है। अब ये धरती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि जब बैलिस्टिक मिसाइल फॉर एग्जांपल यहां से लॉन्च करी तो जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा रूट होता है, इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल जाती है, ठीक है। अब देखिए जरा कैसे हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल जब भी जाएगी आप हिट करोगे तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से भी बाहर चली जाती है, और फिर देखिए एटमॉस्फेयर हमारा ये है, ये आपको लिखा है एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर से ही बाहर जाती है, इनफैक्ट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके भी बाहर चली जाती है और ये ऐसे ऊपर तक जाती है, उसके बाद यहां पहुंचने के बाद अपने टारगेट को ये नीचे जाके ग्रेविटी की मदद से हिट कर जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो यहां पर यह चीज तो बैन लगा हुआ है, इस पर तो सैंक्शंस लगे हैं नॉर्थ कोरिया पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब क्रूज मिसाइल को दागा है, क्रूज मिसाइल टेस्ट करी है। अब देखो क्रूज मिसाइल क्या हो रहा है, वो मिसाइल रेड कलर में दिखा रहा है, ये मिसाइल आपके एटमॉस्फेयर के जस्ट बाहर जाती है लेकिन फिर इमीडिएटली वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैवल करती है। तो देखो वो इस तरह से रेड कलर में ट्रैवल करेगी और फिर उसके बाद यहां जाके वो उसको ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो जो क्रूज मिसाइल्स और इनमें फर्क बेसिक क्या है, जैसे मान लीजिए ये मिसाइल्स है, यहां पर मान लीजिए एक रडार लगा हुआ है दूसरे देश का, ठीक है, यह आपका टारगेट, इस टारगेट को हिट करना है, तो इन्होंने क्या किया, एक रडार लगाया हुआ है। अब जरा देखिए ये लाइन आपको दिख रही है, ये रडार अगर यहां लगा हुआ है तो ये कैसे देख सकता है, इस एरिया में इसके आगे, इस लाइन के आगे जो भी चीजें उसको दिखेंगी तो वो उसको ट्रैक कर लेगा, वो उसको क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा। तो देखो यार अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल यहां गई, इसके आगे क्रॉस करेगी तो ये रडार के जोर में आ जाएगा, रडार इसको डिटेक्ट कर लेगा और अपने टारगेट अपने यहां पर लोगों को बता देगा, तो इस मिसाइल से बचना आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखो वही क्रूज मिसाइल की बात करें तो वो क्रूज मिसाइल ग्राउंड के बहुत पैरेलल रन करती है, तो जब तक वो रडार तक पहुंचेगी वो टारगेट के ऑलरेडी बहुत क्लोज आ चुकी है। अगर ये यहां डिटेक्ट भी होगी तो अब इनके पास टाइम कम होगा रिएक्ट करने का, एंड देयर इज मच मोर पॉसिबिलिटी कि ये वाली मिसाइल जो है वो जाके टारगेट को हिट करके डैमेज कर देगी। समझ में आया, ये बात समझ में आया,
ठीक है। तो ये डिफरेंस बेसिकली आपको समझ में आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर आपका फेस नहीं दिख रहा है, आशुतोष बेटा ये समझाने के लिए मेरा चेहरा देख के क्या करोगे, ये देख लो, समझ में आ रहा है। तो ये फर्क होता है क्रूज मिसाइल्स और यहां पर जो आपको बैलिस्टिक मिसाइल दिख रही है। तो क्रूज मिसाइल जो है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल एक तरह से गाइडेड बॉम्ब की तरह होती है। क्या होती है? गाइडेड बॉम्ब। जैसे कि इसमें क्या होगा कि आप जहां चाहें उसको गाइड करके और उसको टारगेट पे गिरा सकते हैं। तो देखिए एट ये ऐसे जाती है एटमॉस्फेयर के ऊपर और फिर वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करके ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती है, अर्थ ग्राउंड के एकदम पैरेलल चलती है। अब ऐसा पैरेलल भी नहीं कि आपको लग रहा है कि जहां खड़े हैं उसके ऊपर ही, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे जाके जब यहां पर ये अगर रडार में आई भी तो इतना टाइम कम बचेगा इन दुश्मनों के पास कि उसको वो यहां पर नहीं कर बचा पाएंगे और वो टारगेट हिट हो जाएगा। ये जो मिसाइल यहां पर अभी नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट करी है इसका रेंज 1500 किलोमीटर यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो अपने आप में अभी तक क्रूज मिसाइल जो होती थी ना वो इतने लंबे डिस्टेंस तक नहीं जाती है, वो शॉर्ट रेंज की होती है। लेकिन यहां पर पहली बार नॉर्थ कोरिया ने ये क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर लिया है और अब इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ चुका है। समझ में आ रहा है ये चीज? काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। होपफुली आपको ये समझ में आया कि एग्जैक्टली यहां बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल किस तरीके से यहां पर चलती हैं, ठीक है ना। अब जरा इसको आगे समझते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर फ्राइडे तो ये मंडे को ही हुआ है तो यहां पर इसको एक स्ट्रैटेजिक वेपन कहा जा रहा है ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। जल्दी से मतलब समझा देता हूं क्योंकि यार देखो ये नॉर्थ कोरिया है तो नॉर्थ कोरिया ने जो किया है उससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी काफी फर्क पड़ सकता है, यूएसए को फर्क पड़ेगा क्योंकि यूएसए अब यहां से काफी क्लोज पड़ता है नॉर्थ कोरिया से, एंड हेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस चीज पे काफी नजर रखेगा एंड दैट इज वाई इसको स्ट्रैटेजिक वेपन कहा गया है, स्ट्रैटेजिक वेपन कहा गया है, ठीक है। क्यों? ये एक यूएस के लिए काफी चिंता का सबब हो सकता है। इसका बता दिया मैंने आपको 1500 किलोमीटर का रेंज बताया जा रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये एक फोटो है जहां पर जो ये टेस्ट हुआ था, ये जब मिसाइल गई थी तो 8 पैटर्न्स को ये फॉलो कर रही थी। मतलब जब ये मिसाइल चल उसको टेस्ट किया गया तो ये 8 पैटर्न्स फॉर्म करते हुए जा रही थी। इस तरह से भी जा सकती है, मतलब एक तरीके से ये लैग इस सेंस, मतलब ये जो डिजाइन इस तरीके से बना सकती है और ये ट्रैवल कर सकती है। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। अब देखिए आगे, समझिए जरा इस डायग्राम को भी देखिए, यहां पर प्लीज सी दिस डायग्राम, होपफुली आपको समझ दिख रहा होगा। देखिए देखिए जरा, ये आपको दिख रहा है, ये है वो नॉर्थ कोरिया वाला स्टेट, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के नीचे यहां पर जो आपको दिख रहा है दिस इज साउथ कोरिया, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया, इसका लोकेशन देखिए, ये है साउथ कोरिया। तो दोनों ही देश जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आर्म्स रेस में लगे हुए हैं, कौन ज्यादा यहां पर आर्म्स को प्रोड्यूस करके और अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस उसको और स्ट्रांग कर सकता है, अपनी मिलिट्री और स्ट्रांग कर सकता है, ठीक है। तो ये जो आप इसका विजन देख रहे हैं रेड कलर का, ये क्रूज मिसाइल का जोन हो गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर भी लिखी है, ऑल्दो मैं आपको ये सारी जो इंफॉर्मेशन है बता चुका हूं। इंपॉर्टेंटली ये यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस को वायलेट अब नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि अब यहां पर यूएन के जो यहां पर सैंक्शंस लगे थे उसको वायलेशन नहीं है क्योंकि उनके ऊपर जो सैंक्शन था वो रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स के लिए था, ठीक है ना। इसके बारे में और हम बात करेंगे तो नॉर्थ इज अंडर इंटरनेशनल सैंक्शंस एज आई जस्ट टोल्ड यू फॉर इट्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए उन पर सैंक्शन लगे हैं, लेकिन ये एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना, ये क्रूज मिसाइल है। इसलिए यहां पर जो यूएस का जो, और इन्होंने उनका कहना यह है कि हम क्यों बना रहे हैं क्रूज मिसाइल, क्योंकि हम यूएस के इन्वेजन को बचना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि यूएस हम पे इन्वेट करेगा तो हम बचेंगे कैसे, ठीक है ना, ये चीज वो बोल रहे हैं। तो जो प्योंगयांग है, इट्स अ कैपिटल, ठीक है, इज नॉट बैन फ्रॉम डेवलपिंग द क्रूज मिसाइल्स, ये चीज पर इन पर बैन नहीं लगा है। और ये एक तरीके से रिस्पॉन्स माना जा रहा है कि टेस्ट जो हुआ है नॉर्थ कोरिया ने किया है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो अभी रिसेंटली साउथ कोरिया और यूएसए अमेरिका ने जो ड्रिल्स करी हैं, ठीक है, बायलैटरल ड्रिल्स करी हैं, उसका एक तरह से रिस्पॉन्स यहां पर नॉर्थ कोरिया ने दिया है कि अगर आप दोनों एक बिल्कुल एक अगर ग्रुपिंग बना रहे हैं तो हमको भी कम मत आकिएगा, हमारे पास भी यहां क्रूज मिसाइल है जो हम 1500 किलोमीटर तक मार सकते हैं आपको। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स और जान लेते हैं, क्रूज मिसाइल कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हम क्रूज मिसाइल को यहां पर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे हो सकता है, तो देखो यार, एक होती है सबसोनिक, एक होती है सुपरसोनिक, एक होती है हाइपरसोनिक, ठीक है। ये डिपेंड करता है
ये डिपेंड करता है कि मिसाइल की स्पीड क्या है। तो साउंड की जो स्पीड है वो आपको पता होगी, बता दो यार साउंड की स्पीड किसको पता है, क्या रहती है साउंड की स्पीड इन टर्म्स ऑफ मैक, मैक के टर्म्स में बता सकते हो साउंड की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड बताइए, स्पीड ऑफ साउंड। हाँ जी बताएगा कोई मुझे, कोई बताएगा मुझे, यस प्लीज। अरे मीटर पर सेकंड में नहीं, वन मैक, आदेश कुमार ने बताया मुझे, आदेश कुमार ने बताया मुझे वन मैक इसकी स्पीड होती है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है तो यार जो इसकी वन मैक स्पीड होती है ना, इस बेसिस पे यहां पर हम लोग बताते हैं कि ये जो मिसाइल है वो कैसी होगी। तो देखिए क्या होता है कि अगर वो मिसाइल साउंड की स्पीड से कम स्पीड से चल रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ये सबसोनिक स्पीड हो गया और क्रूज मिसाइल समझ में आ गया आपको। क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, ग्राउंड के पैरेलल चलेंगी और एक गाइडेड बॉम्ब की तरह होती हैं। ठीक है तो अगर वो उसकी स्पीड साउंड से कम है तो वो सबसोनिक होगा, अगर वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर सुपरसोनिक, ट्रेवल्स लार्जर फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है और अगर वो साउंड की स्पीड से 5 times ज्यादा स्पीड से चल रही है तो उसको हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर आप ये जो देख रहे हैं कुछ यहां इसकी बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स का मैंने आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ठीक है नॉट अ बिग डील, काफी आसान है ये, ठीक है काफी आसान है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ऑलरेडी मैं आपको वैसे ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है फिर भी देख लेते हैं एक बार, देखिए जरा देखिए इसको, रेंज की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल 15,000 किलोमीटर की रेंज से भी आगे जा सकती हैं और क्रूज मिसाइल्स 1,000 से लेकर 4,000 की रेंज में रहती हैं। ठीक है इनको डिटेक्ट करना आसान होता है क्योंकि मैंने अभी आपको जो पिक्चर दिखाया वो डायग्राम में, जहां रडार जो है वो अगर ऊपर जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल तो रडार उसको यहां से ट्रेस कर सकता है, लेकिन जो यहां पर क्रूज मिसाइल होती है वो वेरी वेरी हार्ड टू डिटेक्ट है क्योंकि वो जमीन से सतह से चल के चिपक के चलती है। ठीक है प्रिसीजन की बात करें तो यार जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जो प्रिसीजन, इसका प्रिसीजन देखिएगा वेरी हाई, वेरी वेरी हाई प्रिसीजन, लेकिन इसका प्रिसीजन लो होता है क्योंकि तो ऊपर से आता है ना, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बड़े बड़े टारगेट्स को ज्यादा जल्दी हिट करेगा, ज्यादा अच्छे से हिट करेगा, और अगर आपको छोटे टारगेट्स लगाना है तो उसके लिए क्रूज मिसाइल्स बहुत ही बेटर होती है। ठीक है बहुत बेटर होती है। स्पीड की बात करेंगे तो देखो यार इसकी स्पीड आप देख सकते हैं 25,000 किलोमीटर पर आवर ये होती है और इसका स्पीड देखेंगे आप 1,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है। ठीक है ना तो ये चीजें हैं जिसको आप थोड़ा सा याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है अब जरा क्योंकि बात हो रही है मिसाइल्स की तो चलो यार इस क्वेश्चन को, वीडियो को आप लगाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसको मैंने पढ़ाया नहीं बट दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम, क्योंकि हम मिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो हम मिसाइल से रिलेटेड एक यहां पर क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। हाँ जी इसका आंसर कौन कर रहा है, मुझे इसका आंसर चाहिए। इन कॉन्टेक्स्ट टू मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, अब ये एक MTCR अगर आपने सुना होगा MTCR, इसको देखते हुए यहां पर आपको स्टेटमेंट्स आंसर करना है। अब देखो मैं कुछ बताऊं, बच्चे कह रहे हैं 3 3 B 3 2 1 1 1 2 1 2 3, सारे आंसर दे दिए तुम लोगों ने यार, तुम लोगों ने सारे आंसर दे दिए। हाँ भाई इट इज अ लीगली बाइंडिंग ब्रो, कह रहे हैं 3 3 3 सब ब्रह्मोस क्रूज है क्या, हाँ ऑब्वियसली यार बिल्कुल है, ब्रह्मोस की रेंज देखो सिंपल बात है ना। हाँ जी 3 मैक्सिमम लोग 3 कह रहे हैं, रौनक 4 कह रहा है 3। हाँ जी चलो यार देखो ठीक है देखो इट इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, यानी ऐसा यहां पर रिजीम बनाया गया है जिससे मिसाइल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जा रहा है, ये एक ऐसा रिजीम है। क्या ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, लेट मी टेल यू बेटा ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। ठीक है ये एक नॉन लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है, नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक है ना नॉन बाइंडिंग, इसका कोई बाइंडेशन नहीं है, ये सिंपली एक वॉलेंट्री बनाया गया एक यहां पर अटेम्प्ट है कि हम लोग मिसाइल की जो टेक्नोलॉजीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है तो अगर आप इस MTCR के मेंबर हैं तो नाउ यू कैन शेयर, किस तरह से आप शेयर कर कंट्रोल कर सकते हैं कि मिसाइल का डेवलपमेंट और ज्यादा ना हो। ठीक है तो पहला स्टेटमेंट यहां गलत हो गया, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ MTCR,
क्या इंडिया यहां पर मेंबर है एमटीसीआर का? जी हां, बिल्कुल इंडिया मेंबर है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, इंडिया इसका 35th मेंबर बना था 2016 में, ठीक है? तो इंडिया एमटीसीआर का मेंबर है, 2016 में ये बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट पूछ रहा है, तो टू इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। देखो यार, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, बच्चे कहते हैं सर इतना डिटेल में नहीं आएगा। देखो मैं पढ़ाता आपको डिटेल में, जाता इतना डिटेल नहीं जाता हूं, लेकिन वो जो एरियाज में आपको कनेक्ट करता हूं तो उससे आपको इंफॉर्मेशन कई चीजों के बारे में मिलती है। अब जैसे खाली याद करना है तो इतना याद कर लो कि यार किसने फर्स्ट ये स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल लॉन्च करी है, टेस्ट करी है, तो आंसर रट लोगे नॉर्थ कोरिया। लेकिन यार ये क्रूज मिसाइल होती क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, ठीक है? और अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात भी करेंगे अगर, तो एमटीसीआर की ये भी आपकी इंफॉर्मेशन को एनहांस कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकता है, ठीक है ना? तो ये एक तरीका है करंट अफेयर्स को पढ़ने का। सिर्फ अगर रटोगे तो मेरे ख्याल से आप भूल जाओगे, अगर आप इस अप्रोच को करोगे तो ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभिषेक कुमार कह रहा है चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ एमटीसीआर। यस, वेरी ट्रू। बात क्या है कि देखो इंडिया जो है उसने अभी एनपीटी को साइन नहीं किया है, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है ना? जिसकी वजह से इंडिया को एनएसजी दैट इज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का भी यहां पर मेंबरशिप नहीं मिल पाता है। और चाइना भी उसको बार बार इसको क्या करता है, अपोज करता है कि इंडिया को नहीं देने देंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू एनपीटी, राइट? लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि एमटीसीआर का मेंबर भारत को बना दिया गया है। लेट मी टेल यू, चाइना उसका मेंबर नहीं है, तो शायद इसलिए चाइना की तरफ से अपोजिशन नहीं हुआ एंड हेंस इंडिया इसका मेंबर यहां पर बन पाया है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए यहां पर ये एमटीसीआर का कॉन्सेप्ट, ये क्या हुआ क्या, तो भारत ने क्या किया, जब ये कहा गया कि एमटीसीआर मतलब हम मिसाइल की कंट्रोल करेंगे, टेक्नोलॉजी हम नहीं बनाने देंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट, उनका एक विजन था, लेट अस स्टार्ट समथिंग कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसके तहत हम इंटीग्रेटेड, यानी इंटीग्रेट करके जोड़ के गाइडेड मिसाइल्स बनाए हम यहां पर, इसको डेवलप करें इस प्रोग्राम के तहत। तो आपके लिए वन वर्ड का में अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है दैट एमटीसीआर का मतलब ये जो इंटीग्रेटेड यहां आपका गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इसका बेसिक कंसीव किसका विजन था, दिस इज द विजन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक बात है? ये जो समझ में आ रही है आपको। अब देखिए यहां पर इसका जो किया गया है, इट इज बेसिकली टू काउंटर हुम, काउंटर व्हाट, टू काउंटर दिस बेसिकली दिस एमटीसीआर, ये विजन लाया गया था कि हम एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम लाएं, ठीक है? अब ये एमटीसीआर क्या है मैंने बताया, ये देखिए इनफॉर्मल ग्रुपिंग है 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय हुम, जो कंट्रीज के नाम आप यहां देख पा रहे हैं, दे आर G7 कंट्रीज। क्या है वो है G7 कंट्रीज। अब यार ये G7 क्या है, देखो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फिर से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगेगा कि यार ये G7, अब देखो कैसे कैसे हम अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आएगा, ये सब चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप पढ़ोगे, आपको प्रथमेश्वर स्कूल लेके आएंगे आपके लिए। बट जैसे जैसे करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका क्या है, हम जो चीज करंट में आ रही है उसके हम बैक लिंकेज पढ़ें, हम उसके बारे में स्टैटिक पोर्शन वहीं के वहीं पढ़ लें, तो हमें चीजें याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने उसे करंट में पढ़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना? तो देखो यार ये एक ऐसा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1987 बना था, बाय कंट्रीज देख रहे हो आप, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, ठीक है? किस लिए था? टू लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी, ताकि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल के प्रोलिफरेशन मतलब जो फैलना होता है उसको हम रोक पाए, ठीक है? अब आपको मैंने बोला एक वर्ड यूज किया मैंने G7 कंट्रीज, तो यार ये कंट्री क्या क्या है, देखो एक्चुअली पहले एक कंट्री हुआ करता था जिसका नाम है G8, ठीक है? G8, इसके बारे में आपको बताता हूं, उससे पहले आप ये जरा क्वेश्चन यहां पर, अच्छा इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि G8 क्या है। देखो यार G8 कंट्रीज कौन से कंट्रीज हैं, यानी 8 कंट्रीज का ग्रुप था, कौन कौन से कंट्री है, तो उसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हो गुजरात फैब्रिक ऐसे याद कर सकते हो। तो देखो यार यहां पर मैंने आपको 8 कंट्रीज के नाम लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 कंट्रीज मिला के G8 बनता है। चलो देखते हैं। अब देखो G4 हो गया आपका जर्मनी, ठीक है? G4 हो गया जर्मनी, J4 हो गया जापान, ठीक है? F4 हो गया फ्रांस, ठीक है? A4 हो गया अमेरिका, जिसको मैं लिख रहा हूं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बी से हो गया ब्रिटेन, मैं इसको लिख रहा हूं यूके होता है। आर से हो गया रशिया, आई से हो गया इटली, और सी से हो गया कनाडा। अब देखो यही कंट्रीज क्या तुमको यहां दिख रहे हैं क्या? हां सर दिख रहे हैं।
लेकिन सर एक कंट्री नहीं दिख रहा, कौन सा नहीं दिख रहा? सर ये रशिया नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो रशिया को इस G8 से क्या कर दिया गया था? सस्पेंड कर दिया गया था। और इसको सस्पेंड करने की वजह से क्या हुआ? ये कंट्री में से एक कंट्री निकल गया, तो ये G7 कंट्रीज का ग्रुप बचा, जिसमें आपको जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूएसए, यूके, इटली और कैनेडा बचते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये चीज है यहां पर हमारा MTCR। अब MTCR के साथ साथ एक एग्रीमेंट और होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वासनार एग्रीमेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब देखो ये जो एग्रीमेंट है ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम को लेकर है, मतलब जो हम टेक्नोलॉजीज को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को देते हैं, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए ये एक एग्रीमेंट किया गया। फिर से देखो ये एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है, फिर से ये एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है। आपको इस तरह से यहां पर ये वर्ड्स पे यूपीएससी खेलता है, ठीक है ना, इस तरह से यहां पर खेलता है, तो ये याद रखिएगा। तो यहां पर ये जो अरेंजमेंट है ये भी वॉलंटरी अरेंजमेंट है, और 42 मेंबर्स इसके पार्ट्स हैं, 42 मेंबर्स कंट्रीज जो है वो इसके हिस्सेदार है, जिसमें आपको नाटो के और यूरोपियन यूनियन के आपको बहुत सारे यहां पर मेंबर कंट्रीज मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो वासेनार है इसका भारत भी इसका हिस्सा हो चुका है, तो आपसे पूछ सकता है कि इंडिया भी क्या वासेनार एग्रीमेंट का पार्ट है? तो यस, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वासेनार अग्रीमेंट। ठीक है, और देखिए तो रेंज ऑफ, इसको सब इंडिया ने साइन कर लिया था वासेनार एग्रीमेंट को, तो उससे पहले भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज थी वो 300 किलोमीटर से कम थी, क्योंकि इंडिया वॉज नॉट अ पार्टी टू दिस एग्रीमेंट। लेकिन आफ्टर इंडिया बिकेम अ पार्टी टू दिस वासेनार एग्रीमेंट, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है इट वेंट बियॉन्ड 300 किलोमीटर, हमको उस चीज का अलाउंस मिल गया। तो रेंज ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल एक्सटेंडेड बियॉन्ड 300 किलोमीटर, दैट इट हैज बीन लिमिटेड टू अंडर द MTCR रेजिम। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा इसको आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर मुझे बताइए। हाँ जी बेटा, अर्चना आस्किंग कि एनडीए 2022 के लिए करंट अफेयर्स कब तक पढ़ने हैं? तो यार देखो ऐसा है ना कि जब एग्जाम हो जाएगा नवंबर का, तो नवंबर के बाद के करंट अफेयर्स लोगे ना, साल भर में एग्जाम दो बार होता है, तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी जो बार बार इन क्लासेस में कवर कर रहा हूं, आई एम कवरिंग व्हाट, आई एम कवरिंग सितंबर, आई एम कवरिंग अगस्त, आई एम कवरिंग जुलाई, अभी मैं 3 महीने पे कवर कर रहा हूं। वी हैव अप्रॉक्सिमेटली 17 क्लासेस ऑफ करंट अफेयर्स, तो पहले 8 क्लासेस में पहले 3 महीने के, और नेक्स्ट के 8 क्लासेस में आई एम गोइंग टू टेक पीछे के 3 महीने, ठीक है ना, तो अच्छे से हमारा कवरेज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अब आप आंसर बता ही दोगे, क्योंकि मैंने इसका आपको G8 वाला कॉन्सेप्ट बता दिया कि पहले G8 क्या था और अब उस G8 से कैसे G7 बन गया है। ठीक है ना, इस तरह से आपको मैं बहुत सारे निमोनिक्स आने वाले लेक्चर में बताऊंगा किस तरह से आप और कंट्रीज के यहां भी नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज आ रही है, और वो ये आ रही है कि अर्थ पे जो नॉर्दर्न मोस्ट यहां पर जो आइलैंड है उसकी डिस्कवरी हो गई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है ऑन द अर्थ उसकी डिस्कवरी अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले हुई है। ठीक है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव कि ये आइलैंड कहां पर है, और उससे रिलेटेड जो मेरा तरीका होता है कि अगर मैं उसको बताऊंगा तो अगल बगल की ज्योग्राफी के एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको लगेगा यार ज्योग्राफी कुछ ही पूछ लिया, कुछ भी नहीं पूछेगा, बिकॉज दिस विल बी इन न्यूज, इसलिए वो आपको आइलैंड से रिलेटेड चीजें पूछ सकता है, और वो आपको क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास जो चीजें हुई हैं उनको भी पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया है? गर्ल कैन अपियर इन 2021 एनडीए, एज ऑफ नाउ बिल्कुल अपियर करेंगी, क्योंकि यहां पर जो अभी तक जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस बार आप रोक दीजिए गर्ल्स को, अभी तक ऐसा कुछ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ यस, द गर्ल्स आर गेटिंग द एग्जाम। ठीक है, तो चलो इसके बारे में जान लेते हैं एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, समझते हैं। देखिए, आइलैंड डिस्कवर्ड ऑफ ग्रीनलैंड इज द न्यू स्पेक ऑन द वर्ल्ड मैप। चलिए बात करते हैं कि क्या ये यहां पर आइलैंड की खोज हुई है। वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर में आपको एक आइलैंड दिख रहा है, ये आपको ग्रीनलैंड के जस्ट ऊपर आपको ये नया आइलैंड खोजा गया है, मिला है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में एग्जैक्टली यहां पर और क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। तो एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स था, वो भेजा गया था, जुलाई के मंथ में गए थे ये लोग, और वहां पर अभी तक हमारे जो नॉलेज में हमारा जो डिस्कवर्ड जो अभी तक का मैं कहूंगा आइलैंड था, दैट इज उडाक आइलैंड। उडाक क्या स्पेलिंग बोलते हैं उसको? इट इज स्पेल्ड एज उडाक।
ठीक है, आप अपने अपने गूगल मैप में खोल के देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा जो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की जस्ट 780 मीटर्स ऊपर जाएंगे आप, जस्ट 780 मीटर्स, तो वहां पर एक आइलैंड मिलेगा। यार देखो आइलैंड क्या होता है, आइलैंड के लिए जरूरी है चट्टान होनी चाहिए, है ना, पत्थर होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए प्रॉपर, तभी तो आइलैंड बोलोगे। तो अभी जो यहां पर ऐसे कई सारे सैंपल्स मिलते थे, कई सारी जगह मिलती थी, लेकिन वो आइलैंड नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो सिंपली एक आइस की शीट होती थी, तैर रही होती थी, पत्थर है तैर रहा है, ठीक है पिघल जाएगा। लेकिन अभी चट्टान मिली है प्रॉपर हमको, ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया है, पहले उडाक था, लेकिन अभी ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स को जो उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए थे जुलाई में, ठीक है, उस वो गए थे लेकिन उनको लगा हम उडाक पहुंच गए हैं, बट इट वॉज नॉट उडाक, वो एक नया ही आइलैंड था, वो एक नया ही आप देखोगे अननोन, प्रीवियसली अननोन आइलैंड था, ठीक है। तो अब ये जो प्रीवियसली अननोन आइलैंड था जो मिला है वो 60x30 मीटर्स का मिला है, यानी इतना सा 60x30 मीटर्स का एक आइलैंड मिला, और छोटा सा आइलैंड है यहां पर, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया उडाक जो था वो एक हमारा अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था, डैनिश सर्वे हुआ था 1978 में, तब इसको यहां खोजा गया था, ठीक है, ये अभी तक का था। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें और बताता हूं, एक बार आप काम करिएगा, ये मैंने रूटर्स के ही प्रोफाइल से निकाला है, वहां पर इन्होंने एक यूट्यूब का प्रॉपर लिंक डाला हुआ है, आप प्लीज इसको जरूर देखिएगा। यहां पर इस आइलैंड पे उन्होंने हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करके भी वहां गए और उन्होंने सारी चीजों को कलेक्ट किया, ठीक है, इन सब चीजों को कलेक्ट किया गया। तो आप प्लीज डेफिनेटली, मैं इस क्लिप को यहां नहीं चला पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप जरूर जाके इसको देखिएगा, आपको इसकी खूब अच्छी से लोकेशन और चीजें पता चलेंगी, ठीक है। तो ये ग्रुप है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि इसका नाम क्या होगा, यार इसका नाम तुम अपने आप पढ़ लो, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। कुछ नाम इसका बताया गया है, क्विर्केताक अनर, पता नहीं क्या है, ठीक है, इसको बस आइडेंटिफाई कर लो कि कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। तो ये अब हमारा नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड हो चुका है, जैसा कि बताया जा रहा है, रूटर्स ने बताया। और यहां पर अब ये जब आइलैंड डिस्कवर हो गया, तो अब समझिए ये तो आप करंट अफेयर्स के एंगल से हो गया कौन सा हमारा लेटेस्ट आइलैंड है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक अब इसका जियोपॉलिटिक्स समझिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए वहां पर आपको पता है नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड्स हैं, यहां पर आप जैसे जैसे नॉर्थ पोल के पास जाएंगे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं वहां पर, ठीक है। तो बहुत सारे देश जैसे यूएस है, यूएस जो भी आर्कटिक कंट्रीज है ना, आर्कटिक आप समझते हैं, आर्कटिक ये आप समझते ही होंगे, इतना तो आप जान ही रहे होंगे कि आर्कटिक क्या होता है। तो बेसिकली ऐसे अपना ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अपना यहां पर आ गया आर्कटिक सर्कल। तो इसके ऊपर जो कंट्रीज यहां पर हैं उनके ऊपर ये होड़ बन गई है कि हम इसको यहां पर ऑक्यूपाई करें, इसका हम ओनरशिप, इसके ऊपर हम रेगुलेशन लाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और जो भी इसको ऑक्यूपाई कर सका तो वो उसके लिए क्या होगा, वो उसके लिए एडवांटेज होगा। अब ये बच्चा पूछ रहा है कि ग्रीनलैंड क्या होता है, रौनक कटियार पूछ रहा है ग्रीनलैंड क्या होता है, बताते हैं बेटा, ग्रीनलैंड बेटा एक कंट्री है, ठीक है, मैं बताता हूं उसके बारे में। तो राइट नाउ ये एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के ऊपर, नॉर्थ पोल के पास काफी रिसोर्सेज हैं, आपको फिशिंग के लिए काफी यहां पर फायदेमंद होता है, बहुत सारे मैरीन रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए होड़ काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, एक फोटो भी यहां शेयर करी गई है कि यहां पर जब ये पहुंचे तो एक फोटो भी शेयर करी गई सोशल मीडिया साइट्स पे, यू कैन सी दिस, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये यहां पर एग्जैक्टली कहां पर लाई करता है, जरा इसको प्लीज समझिएगा। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो प्लीज बेयर करिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा दिखाने की कि आपको ये प्रॉपर विजिबल है या नहीं, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, ट्राई टू फिगर इट आउट, थोड़ा सा गौर करिएगा, मैं भी आपको कोशिश करूंगा कि बता पाऊं। देखिए ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये जो आप एरिया देख रहे हैं दिस इज ग्रीनलैंड। अब जरा ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये है यार ग्रीनलैंड, ठीक है। अब ग्रीनलैंड जो है ये इसकी इस जगह की जो ओनरशिप है वो डेनमार्क के पास है, समझो इस चीज को, ग्रीनलैंड की जो ओनरशिप है वो किसके पास है, डेनमार्क के पास है। डेनमार्क यहां देख रहे हो, ये एक छोटा सा कंट्री है डेनमार्क, देखो ये जो एरिया दिख रहा है ये है डेनमार्क, ठीक है। तो इसकी ओनरशिप किसके पास है, डेनमार्क के पास है, डेनमार्क के पास इसकी ओनरशिप, ध्यान रखना। तो अभी जो उडाक यहां पर आइलैंड था वो समवेयर यहां पर लाई करता है, इस जगह पर लाई करता है, ये था उडाक आइलैंड, ठीक है, उडाक आइलैंड था यहां पर। अभी क्या हुआ है कि इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे इस जगह पे, तो यहां पर ये न्यू डिस्कवरी, न्यू आइलैंड जो है वो हमको मिल गया है, न्यू आइलैंड हमको मिल गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज के लिए कितना यहां पर जद्दोजहद हो रही है बाकी आर्कटिक कंट्रीज में कि ये हमारा होना चाहिए, बट ग्रीनलैंड ने इसको सिरे से नकार दिया है कि नहीं नहीं भैया ये तो हमारा ही था, डेनमार्क तो ग्रीनलैंड हमारा है, उडाक आइलैंड्स भी हमारा कंट्रोल है, तो ये न्यू आइलैंड भी कंट्रोल हमारा ही होगा, ठीक है। ब्राइटनेस हाई है, मैं समझ रहा हूं बंटी यादव, ब्राइटनेस हाई है, अगर आपको जब इसका पीडीएफ मिलेगा ना तो आप इसको अच्छे से ज्यादा देख पाएंगे, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है।
चलिए देखिए, तो आप इसके अगल बगल की और सिचुएशन को देखिएगा। ये जो आप ग्रीनलैंड के बगल देख रहे हैं, दिस इज बाल्टिक बे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोकेशन, अब देखिए ज्योग्राफी आ गई यहां पर, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं लेकिन हमको ज्योग्राफी यहां पता चलने लगी। आपको लगेगा सर कहीं से भी कुछ भी आप बता रहे हो क्या? नहीं नहीं, करंट अफेयर्स में ये एरिया न्यूज में आया, इसलिए यूपीएससी का ये तरीका है कि हो सकता है वो करंट अफेयर्स की चीज को ना पूछे, करंट अफेयर्स से जो लगी लगाई चीज है उनको पूछ सकता है, ठीक है ना। विजय पाल कह रहा है कि आई हैव अ मैप ऑन टेबल, बेटा बहुत बढ़िया, कीप दैट मैप, आप सभी लोग मैप रखिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको और चीजें मिलेगी, ये आपको दिख रहा है, दिस इज दी लैब्राडोर सी, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये है आपके बाकी इधर यूरोपियन कंट्रीज, ये सारा पोलैंड, नॉर्वे, पूरा एक मैप आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइसलैंड की पोजीशन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए ग्रीनलैंड और इधर यूके ब्रिटेन के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, आई थिंक यू शुड कीप इन माइंड जब आप इसका ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। मैप रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिए, ठीक है, जरूर किया करिए। चलिए तो आप देखिए अभी क्या है कि आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज और आई थी, और वो ये न्यूज थी कि ग्रीनलैंड में, मतलब सॉरी, आप देखोगे कि ग्रीनलैंड में वहां पर क्या हुआ, वहां पर बारिश हुई, मतलब रिकॉर्ड टूट गया, वहां पर स्नो गिरती है, हमेशा स्नो होती है लेकिन अभी वहां पर बारिश मिली है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डेवलपमेंट ऐसा हुआ है जो आप रिकॉर्ड तोड़ चुका है, मतलब वहां कोई बारिश होती ही नहीं है, हमेशा बर्फ पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं इसको भी, यहां पर ये आर्टिकल निकला था कुछ टाइम पहले का, ये आर्टिकल है, ठीक है। वहां पर ये बताया कि ग्रीनलैंड रिसीव्स रेन इंस्टेड ऑफ स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब जरा एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, जिसने भी इसका सही जवाब दिया, तुम लोग अब गूगल कर लो, जो भी कर लो, लेकिन इसका जवाब बताओ मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी का, क्योंकि ज्योग्राफी को वो पूछना वो पसंद करता है। कोई अगर एरिया, ध्यान रखना, कोई अगर एरिया न्यूज में है पॉलिटिकली, ये यूपीएससी की आदत है, कोई अगर एरिया पॉलिटिकली न्यूज में है तो उस एरिया की वो ज्योग्राफी को पूछना बहुत पसंद करता है, उसकी ज्योग्राफी पूछना पसंद करता है। तो आप ज्योग्राफी को भी यहां तैयार कर सकते हैं मेरे साथ करंट अफेयर्स में, बताइए। चलिए अंडमान को लेकर बताइए, हाँ जी आंसर बताइए, इसका बताइए बताइए भाई, हाँ भाई आंसर प्लीज। यस, बी बी लोग कर रहे हैं, हाँ जी बताइए। अरेंज द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब आपको ये चार आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स हैं, आपको इसको लगाना है नॉर्थ से लेकर साउथ तक में, हाँ जी। यस यस प्लीज, 3 3 2 B 2 3 2 3 पे अटके हुए हो, 3 3 3 वालों ने क्या कर लिया, गूगल। एक बच्चा कह रहा है 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 अच्छा 3। आशीष कह रहा है 1। डेयर डेविल गेमिंग कह रहा है 4। चलो ठीक है, देखो यार इसके बारे में देखो पहले तो ये बात समझ में आ जाएगी कि यार निकोबार वाले जो है वो नीचे होंगे, अंडमान वाले जो है ऊपर होंगे, तो कहीं भी अगर बी और डी पहले दिख रहा है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो आप हटा ही सकते हो। इतना तो पता ही होगा ना कि अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे आते हैं, ठीक है। तो आपने पहले 2 तो हटा दिया, अब जो लोग 2 कह रहे थे वो बताओ 2 क्यों कह रहे थे भाई, तुम लोग एलिमिनेशन मेथड तो इस्तेमाल करो एटलीस्ट, ठीक है ना, निकोबार वाले नीचे आएंगे। अब आपको बचता है यहां पर 3 ऑप्शंस, पहला देखो लिटिल अंडमान और सी, यानी इन दोनों में आपको डिसाइड करना है कि लिटिल अंडमान ऊपर आता है कि लोअर अंडमान ऊपर आता है। तो देखो यार इसके लिए आपको मैप ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज लुक एट दिस मैप, होपफुली आपको ये मैप समझ में आएगा। देखिए जरा इस मैप को, इस मैप को देखिए, प्लीज सी दिस मैप, ठीक है। अब देखिए यहां पर अंडमान और निकोबार का ये मैप है, देखिए ये आपको दिख रहा है नॉर्थ अंडमान, ये है मिडिल अंडमान, ये है लोअर अंडमान, और उसके नीचे आता है लिटिल अंडमान, ठीक है। तो हमेशा ये कंफ्यूजन देता है यूपीएससी आपको कि लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान हमेशा कंफ्यूज होंगे, याद रखिएगा लोअर अंडमान इसकी ज्योग्राफी में नॉर्थ में आता है, लिटिल अंडमान उसके नीचे आता है। उसके बाद देखिए कार निकोबार ये लाई करता है, और जो मैंने आपको दिया एक वो एक मैंने और क्या दिया आपको, आई हैव गिवन यू ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार आपको लगेगा यार ग्रेट है, बड़ा होगा, जबकि वो सबसे नीचे आता है, ग्रेट निकोबार यहां पर आता है, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, लोअर अंडमान नंबर 1 पे रहेगा, लिटिल अंडमान नंबर 2 पे रहेगा, कार निकोबार 3 पे रहेगा, और ग्रेट निकोबार 4 पे रहेगा, ठीक है।
इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर करोगे तो अब बताओ उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। हाँ जी, लोअर अंडमान पहले आएगा, सी पहले आएगा, तो इसका मतलब यार ए भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बता दो आंसर क्या है। हाँ जी क्या है इसका आंसर? डी। सर दिख क्यों नहीं रहे हैं? अरे अदृश्य हो गया हूं। सी। ठीक है, लोअर अंडमान पहले, फिर लिटिल अंडमान आ रहा है, फिर उसके बाद कार निकोबार, फिर ग्रेटर निकोबार। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक स्पाइसेस पार्क बनाने जा रहा है। स्पाइसेस पार्क बोले तो मसाले वाला पार्क, स्पाइसेस पार्क मतलब सिंपली हो गया मसाले वाला पार्क। ठीक है ना, जिसको स्पाइसेस को हिंदी में भी लिख देता हूं मसाले। अब ये मसाले मतलब वही जो खाने में पड़ते हैं, और कोई मसाले मत समझ लेना। ठीक है, तो यहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्पाइसेस पार्क अब सेटअप करने जा रहे हैं चिकमंगलुरु में। ठीक है, जगह का नाम क्या बताया है? चिकमंगलुरु। इस जगह यहां पर सेटअप किया जाएगा। तो यार देखो, ये तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आपके ऑब्जेक्टिव आंसर एक पर्सपेक्टिव से काफी हो जाता है कि स्पाइसेस पार्क कर्नाटका में कहां पर सेटअप हो रहा है। आंसर इज चिकमंगलुरु इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, दैट्स इट। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको जो चीजें और समझनी है वो ये समझना है, चलो देखते हैं इसके बारे में कि हम लोग यहां बात कर रहे हैं स्पाइसेस पार्क की, तो हम फूड पार्क्स की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फूड पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम्स में आता है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसके बारे में यहां बात करते हैं। देखो यार, मैं तुम लोगों को बता दूं, जो भी यहां सोच रहा है कि इस तरह की चीजें नहीं आ सकती, यार ये यूपीएससी है, यूपीएससी, यू नो इट्स लाइक, बोलते हैं यूपीएससी को है कि इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। आप जो सोच रहे होगे, हो सकता हो बिल्कुल ना आए, आपको लगेगा यार वन वर्ड पूछता है सीधे, यहां पर ऐसा पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। देयर आर सम क्वेश्चंस जो ऐसे भी आते हैं, मैंने कमेंट से पढ़ा हुआ है कि बच्चे कह रहे हैं सर इस तरह की चीजें आप क्यों, एक ही दो क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो। यार मान लो इस तरह के क्वेश्चन आप करोगे ना, तो आप वन वर्ड वाले तो ऑटोमेटिक कर लोगे, अगर आप इसको कर ले जाओगे। तो मेरा जो कोशिश है वो ये कि आपको टफेस्ट क्वेश्चन का तैयारी होना चाहिए, इजी वंस तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है ना, मेरा नाम ले लो शिवम प्रजापति, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं यहां पर। अब ये यहां पर आप मेगा फूड पार्क समझते हैं कि ये क्या होता है, गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, मेगा फूड पार्क्स ये कैसे पार्क हैं, यहां कौन सी रोमांस होगा, ये चलिए हम यहां पर समझते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ कि मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, ये चलाती है मेगा फूड पार्क्स की स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जो स्कीम टोटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% जो फंडिंग हो फंडेड होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक स्कीम चलाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यह चीज यहां चलाई जाती है स्कीम, और इस स्कीम के तहत यहां पर मेगा फूड पार्क्स इसके अंदर चलाए जाते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है मेगा फूड पार्क का, कि हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करें, है ना। अब क्या करेंगे पार्क के अंदर, समझो अब यहां पार्क के अंदर क्या होगा वो चीज समझनी है आपको। ठीक है, देखिए इस पार्क के अंदर हो क्या रहा है, ये आप डायग्राम देखिएगा क्या करते हैं। यहां पर देखिए आप समझ सकते हैं, ये है मेगा फूड पार्क। ठीक है, ये एक मेगा फूड पार्क, मैंने इसको आपकी जो वेबसाइट है ना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, उसी से निकाला है, वहीं से इसको लिया है MOFPI से, आप जाके देख सकते हैं वहां पर। अब ये एक पार्क है, इसमें क्या हो रहा है, इस पार्क में हम किसानों को, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, हम इंडिविजुअल किसान फार्मर्स को, इन सबको एक साथ ले आएंगे। हम जो इंपोर्ट करते हैं चीजों को, जो चीजें जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह इन सब चीजों को हम एक ही जगह ले आएंगे, इन सारे लोगों को जो डोमेस्टिक रिटेल सेल्स करते हैं, ठीक है, जो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, जैसे कोई चीज है हमने उगाई, अब वो खेतों से कहां आएगी, वो एक पार्क पहुंच जाएगी। पार्क के अंदर आपको सारी मशीन्स लगी मिली हैं, वहीं पर वो सामान प्रोसेस हो जाएगा, वहीं वो सामान बन जाएगा, तो इससे क्या है कि वहीं के वहीं फिर एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू एडिशन होना है वो एक ही जगह हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, इसलिए इस तरह के पार्क को मेगा फूड पार्क का नाम दिया गया है। ठीक है, आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका जो एक हम कहते हैं ना कि फॉलो अप होता है कि आप कोई चीज बना, फिर उसके बाद वो एक जगह जाएगा इंडस्ट्री में, वहां पर कुछ हुआ, फिर उसके बाद और प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करें कहीं और भेजेंगे, फिर वहां से वो रिटेल मार्केट पहुंचेगा, फिर 10 चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर सब चीजें एक ही जगह होंगी। ये एक मॉडल फूड पार्क है, इसको हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल कहा जाता है।
ठीक है। हब क्या हो गया, हब हो गया आपका, हब हो गया आपका ये पार्क, और स्पोक्स हो गया कि सब जगह से आपको एक ही जगह सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो ऑल फैसिलिटीज एट वन प्लेस, ये बेसिकली इसका फंडा होता है, ऑल फैसिलिटी एट वन प्लेस, ठीक है ना। ये चीज यहां करी जा रही है, समझ में आ गया ये पॉइंट, ठीक है। सर चैट पढ़ो, पढ़ रहे हैं यार। यश कुमार सिंह क्या हो गया, डीएचडी, ओके, ऑल राइट। चलिए अब यहां बात करते हैं हम लोग कुछ बाइलेटरल एक्सरसाइजेस की, जो आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे, सर बाइलेटरल एक्सरसाइजेस बढ़ा दो। एक बच्चा कह रहा है सर कहां से लाइव हो, मार्स, मार्स, ठीक है। चलो चलो चलो, अब हम बात करने वाले हैं यहां पर बाइलेटरल एक्सरसाइजेस के बारे में, कुछ कुछ बाइलेटरल एक्सरसाइजेस, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूं। आप मेरे साथ उसको लिखते रहिएगा, ट्राई करिएगा कि आपको यही की यही याद भी हो जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखिए बांग्लादेश, मैं बता रहा हूं कि इंडिया की इन कंट्रीज के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, मतलब इंडिया तो ऑटोमेटिक है, ठीक है, हम देखेंगे कौन सी कंट्री, तो बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, प्लीज लिखिए सांप्रति, प्लीज राइट सांप्रति, लिखिए इसको, लिखिए आगे चाइना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, हैंड इन हैंड, चाइना के साथ कौन सी होती है, हैंड इन हैंड, प्लीज कीप ऑन राइटिंग जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, प्लीज राइट सर, टिकट कितने की है, कांट टेल यू टिकट कितने की है, हाँ जी। स्पोर्ट्स के बारे में तो पूरा मैंने आपको बताया था, टोक्यो ओलंपिक्स है ना। चलो लिखो फ्रांस, फ्रांस की बताइए। देखो यार फ्रांस की नाम याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, आज ये जो हमारे बैच का नाम है शक्ति, इसका नाम शक्ति बैच क्यों रखा गया, क्योंकि ये शक्ति जो है इट इज अ एक्सरसाइज, इट्स अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है ना, ठीक है, बायलेटरल, इसका इसका नाम जो इंडिया और फ्रांस की बायलेटरल एक्सरसाइज होती है उसको बोलते हैं हम लोग शक्ति, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, शक्ति होती है। अब ये इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, लेकिन साथ में अगर हम बात करें आपकी एयरफोर्स की, एयर इनकी बायलेटरल एक्सरसाइज, तो वो होती है गरुण, ठीक है, क्या होती है, गरुण, और एक एक्सरसाइज होती है इनके साथ वरुण। अब देखो यार गरुण क्या होता है, गरुड़ पंछी होता है ना जो आसमान मोड़ता है, तो इसलिए एयरफोर्स की एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, एयरफोर्स हवा मोड़ती है, गरुड़ क्या है, हवा मोड़ता है, इसलिए फ्रांस के साथ जो इनकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है, गरुड़। अब आपको यहां पर ये याद नहीं करना है कि मिलिट्री एक्सरसाइज है कि एयरफोर्स है कि नेवी है, ठीक है ना, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, आप एग्जाम में आएगा गरुड़ इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो आपको याद होना चाहिए कि ये गरुड़ के साथ है, ठीक है। फ्रांस, देखो इसके लिए वरुण, वरुण क्या होता है, वरुण होता है बेटा, वरुण होता है पानी के देवता, इनको बोला जाता था तो वरुण होते थे, तो पानी की एक्सरसाइज नेवी एक्सरसाइज कौन सी हो गई, वरुण हो गई, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया लिखो जल्दी जल्दी, प्लीज सी, इंडोनेशिया के साथ होती है गरुण शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हो, चलो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए गरुण नहीं, इंडोनेशिया तुरंत बता रहा हूं, तो इंडोनेशिया के साथ होती है गरुण शक्ति, इन दोनों को मिला दिया जाता है गरुण शक्ति, ठीक है, गरुण शक्ति ये नाम है इन दोनों, मतलब इनको मिला के जो एक्सरसाइज होती है वो इंडोनेशिया के साथ होती है, ठीक है ना। अब देखो और भी देखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा, अपना नेपाल देख लो, पहले नेपाल देख लो, नेपाल देख लो, श्रीलंका देख लो, जो इंडिया के अगल बगल है, इंडिया के जो अगल बगल है वो देख लो। हाँ भाई नेपाल के साथ कौन सी होती है, कौन बताएगा, हाँ जी, हाँ जी बताइए, नेपाल के साथ कौन कौन सी होती है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए लिखिए सूर्यकिरण, नेपाल के साथ हो रही है सूर्यकिरण, वेरी गुड, नेपाल के साथ हो रही है सूर्यकिरण, श्रीलंका के साथ हो रही है सांप्रति, अच्छा सांप्रति तो बांग्लादेश की है, हाँ श्रीलंका के साथ देखो एक होती है सिलेनेक्स, एक होती है सिलेनेक्स, ठीक है, सिलेनेक्स बोले तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, एक ही नेवल एक्सरसाइज होती है सिलेनेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होती है, याद लिखिए मित्रा शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मित्रा शक्ति, ठीक है। और बताइए कंट्री, और लिखिए मंगोलिया, मंगोलिया, मंगोलिया के साथ होता है नोमैडिक एलिफेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोमैडिक एलिफेंट लिखिए इसको, मंगोलिया के साथ होती है नोमैडिक एलिफेंट, यस वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी लिखिए आगे आगे लिखिए। और ओमन, ओमन के साथ कौन सी होती है? अल निगाह, अल नगाह। ठीक है और लिखिए और लिखिए। यूएसए बताइए, यूएसए बहुत फेमस है, यूएसए भूल गए हम लोग। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। ठीक है इनके साथ एक और होती है, इसको बोलते हैं वज्र प्रहार। अब आपने सुना होगा हमारे यहां पीडब्ल्यू में एक प्रहार बैच भी चलता है। ठीक है तो वज्र प्रहार यहीं से है, नाम उसका रखा गया है वज्र प्रहार। रशिया बिल्कुल सही है, रशिया भूल गए, प्लीज लिखिए रशिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे याद दिला रहे हैं, बहुत बढ़िया। रशिया के साथ लिखिए इंद्र, इंद्र होती है। और लिखिए सिशेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सिशेल्स के साथ कौन सी होती है? लिखिए लामित्य, लामित्य। ठीक है और लिखिए, और लिखिए इंडिया के साथ वाली, देखिए बस इंडिया के साथ वाली। यूएई लिखिए, यूएई अभी रिसेंटली हुई थी इसलिए बता रहा हूं। डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल, कोई मुझे बताएगा कि ब्लू डेजर्ट किसके साथ होती है? ब्लू ईगल, सॉरी ब्लू डेजर्ट, ये किसके साथ होती है? ब्लू डेजर्ट, ब्लू फ्लैग, यार ब्लू फ्लैग किसके साथ होती है बताइए, बताइए भाई ब्लू फ्लैग किसके साथ होती है? हाँ जी जपैड भी हुई थी, जपैड हुई थी साथ में, ये भी होती, इंद्र भी होती। इंद्र क्या है अगेन? ठीक है ना, कई होती हैं। ठीक है जो रिसेंट आई है वो तो आप करिए करिए, पुरानी वाली बता रहा हूं आपको मैं, ये कौन कौन सी होती आई है। हाँ जी वेरी गुड आंसर इज़राइल, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है तुम लोगों ने। और बताओ ऑस्ट्रेलिया, अच्छा लिख रहा है आयुष, लिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया के लिखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिखिए, एक होती है ऑस इंडेक्स। ठीक है ये तो नाम से पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई होती है बस वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती वो कह रहा है पाकिस्तान कह रहा है हाँ चलो भाई और बताओ क्या बचा है। मालाबार तो होती है कट्टा सब हुए, मालाबार, मालाबार बेटा इट्स तीन कंट्री के बीच में होती है। ठीक है ना, एक क्या है, एक है यूएस, एक है जापान, एक है इंडिया। अभी रिसेंटली उसको यहां पर ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया गया था। ठीक है क्यों? क्योंकि अभी एक ग्रुप बना हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड ग्रुप। ठीक है क्वाड ग्रुप बेसिकली यहां पर चार कंट्रीज के बीच में ग्रुप है, यूएस है इसमें, इसमें इंडिया है, ठीक है इंडिया, इसमें जापान है, ठीक है और इसमें यहां पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चार कंट्री का ग्रुप बनाया गया है बेसिकली, दिस इज टू टैकल, दिस इज टू टैकल चाइना, चाइना को टैकल करने के लिए ये चार कंट्री से ग्रुप बनाया गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड ग्रुप। ठीक है तो साउथ चाइना सी में जितनी भी हलचले हो रही है ना उसको यहां पर नजर रखने के लिए ये क्वाड ग्रुप था। ठीक है तो जैसे यहां पर इंडिया को इन्वाइट किया गया, ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट बन गया, सिमिलरली यहां पर क्या हुआ था कि अभी ये जो आप बता रहे हो मालाबार, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मालाबार तीन कंट्रीज के बीच में है इसलिए मैं इसको नहीं बताया अभी। ये है इंडिया, लिख लीजिए इंडिया, यूएस एंड जापान, ये तीन कंट्रीज के बीच में यहां पर होती है। ठीक है ठीक है, सारे कंट्री थोड़ी याद करने हैं, जर्मनी सब बता रहे हो, एक मिलन कह रहा है तालिबान के साथ कौन सी होती है कजाकिस्तान से याद आया मुझे, किर्गिस्तान लिख लो, इंपॉर्टेंट है, किर्गिस्तान बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बताइए मुझे किर्गिस्तान, हाँ जी किर्गिस्तान कौन बताएगा, किर्गिस्तान बताइए, क्या लिख रहे हो तुम लोग, हाँ हाँ जी मंगोलिया का बता तो दिया, नोमैडिक एलिफेंट, किर्गिस्तान खंजर, खंजर। ठीक है बेटा बहुत है ऐसे, बहुत है, बहुत सारी हैं। एक बच्चा कह रहा है ओसामा बिन लादेन, ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एग्जाम में इससे लड़ जाएंगी, इतने में से एग्जाम में लड़ जाएगा।
और कोई अगर यहां पर है आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट तो आप बता सकते हो। एक होती है द्रुज़बा, याद आ गया, एक होती है द्रुज़बा, ये पाकिस्तान रशिया के बीच में होती है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो दो कंट्रीज करते हैं, इस पर भी नजर रहती है इंडिया की, क्योंकि रशिया इंडिया का दोस्त भी है। और जब पाकिस्तान इस तरह से एक्टिविटी होती है, जब बायलेटरल एक्सरसाइज देखने को मिलती है रशिया के साथ पाकिस्तान की, तो इंडिया की नजर उस एक्सरसाइज पे हमेशा रहती है। ठीक है बेटा, हर कंट्री है, हर कंट्री ऐसे कहा, हर कंट्री मध्य से बता रहा हूं, उसमें से लड़ा जाएगा, उसमें से आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बात करते हैं हम लोग एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की, जरा देखिए इस न्यूज को यहां पर। अब ये मत देखना सर ये हिंदी में लिखा है तो सारी स्लाइड तो हिंदी मांगने लग जाओ, ये मुझे क्लिपिंग ही हिंदी की मिली, ये इनफैक्ट आज की ही न्यूज है, ये आज की न्यूज है। ठीक है, यहां पर जो गुरु घसीदास राष्ट्रीय उद्यान, यानी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं गुरु घसीदास नेशनल पार्क, ठीक है, ये अब हमारे देश का यहां पर 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है। 53rd टाइगर रिजर्व यहां पर एनटीएससी से मिली मंजूरी, एनटीसीए, नॉन एनटीएससी, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब बताओ मुझे तुम लोग कि ये अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये कहां पर लाई करती है, इसका हेडक्वार्टर ऑफिस कहां पर, बताओ जल्दी से बताओ, इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड कहां पर है ये बताओ। हां जी, कौन बताएगा इसका, बच्चा कह रहा है मिर्जापुर। एनटीसीए का कहां पर है हेडक्वार्टर, बताएगा कोई मुझे। मोहम्मद फजल सड़ी ने कहा 52 राजस्थान, रुक जाओ बेटा पूछता हूं भाई, सब ये पूछता हूं। हाँ जी बताइए, हाँ क्वाड मीटिंग बिल्कुल न्यूज में, आयुष बिल्कुल न्यूज में है, नवगांव नगजीरा बिल्कुल, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कुछ टाइम पहले, वो कह रहा है दुष्यंत सिंह कह रहा है मेरे घर पे है, तुम कहां गए हो, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड किसने बोला, सर्च करो जल्दी से जरा एनटीसीए, सर्च करो एनटीसीए, दिल्ली नहीं है यार, उत्तराखंड बोल रहा है कोई, सर्च करो जल्दी से, देखो देहरादून में क्या है, प्लीज सी देहरादून। चलो बताना, तो आपके आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये सफिशिएंट है कि हमारा देश का 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा बन चुका है, 53rd टाइगर रिजर्व अब ये बन चुका है, 53rd टाइगर रिजर्व गुरु घसीदास हो चुका है। अभी कहां लाई करता है, ये है कहां पर गुरु घसीदास, ये है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, कहां है ये, इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देख लीजिए जरा, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सवाल भी इस पर लेके आया हूं मैं, बात करते हैं, चलिए देखिए, प्लीज सी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं एनटीसीए से स्वीकृति मिलते ही देश ही नहीं विदेश में भी कोरिया, तो यार हमारे देश में भी एक कोरिया है, ये भी एक बड़ी अचंभे जानने वाली बात है, हमारे देश में एक कोरिया है, एक्चुअली ये कोरिया अगर आप देखोगे तो कई जगह इसको कोरिया लिखा जाता है, ये वाला कोरिया, ठीक है, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आप देखोगे सरकार के तो सरकार भी उसको कोरिया लिखती है, ठीक है, तो यहां पर कोरिया में यहां ये नेशनल एनटीसीए ने मंजूरी दे दी है और ये छत्तीसगढ़ का अब 4th और हमारे देश का 53rd टाइगर रिजर्व पार्क बन चुका है। ठीक बात है, ठीक है बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि गुरु घसीदास जो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बन रहा है वो किस स्टेट में बन रहा है, इंपॉर्टेंटली ऐसे सवाल आएगा, छत्तीसगढ़ उसका आंसर हो गया। 53rd है हमारे देश में, 53 टाइगर रिजर्व्स हैं और ये सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व होगा, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए यहां पर अदर टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, ये भी आप अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, आपको 3 मिलेंगे और, यानी अब जो बन गया है गुरु घसीदास वो 4th टाइगर रिजर्व हो गया, यानी अब ये 4th हो गया है, गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व, ये अब 4th टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया है। तो ऊपर आपको मिलेगा इंद्रावती, उदंती, सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मर टाइगर रिजर्व और नाउ गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व। चलिए अब इस पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, मैच द फॉलोइंग करके बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पर लाई करता है, चलिए आंसर करिए इसको। हाँ भाई प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन,
बताइए जरा मुझे इसका आंसर क्या होगा। हां बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर इस क्वेश्चन जल्दी से। सारे टाइगर रिजर्व दिए हैं, बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पर सिचुएटेड है। देखो एक की जगह हमने चार चार टाइगर रिजर्व याद कर लिए और मैंने वो टाइगर रिजर्व नहीं दिया जो अभी मैंने पूछा, तो पांच टाइगर रिजर्व हो गए। अब इंपॉर्टेंटली इन सभी टाइगर रिजर्व्स की अपनी अपनी अहमियत है, इसलिए मैंने यही चार दिए हैं। आपके एग्जाम में अगर टाइगर रिजर्व पूछेगा ना तो डेफिनेट सी बात है इन्हीं में से पूछ लेगा, या फिर जो भी रिसेंटली गुरु घासीदास की बात हुई है वो पूछेगा। ठीक है बताइए जरा, बड़ा धीमे आंसर दे रहे हो, क्या बात है, गूगल नहीं हो पा रहा है जल्दी जल्दी। हाँ जी सी डी बी सी, हाँ जी क्या है बताइए, चलिए देखते हैं। डी 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 ऑप्शन कर रहे हैं बच्चे, सी 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 ऑप्शन भी हो रहा है, बी 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 ऑप्शन आ रहा है। चलिए मैं बाल टिक कर लेता हूं अब तक। हाँ जी हाँ, नागार्जुन श्रीसलम आंध्र प्रदेश, ठीक बात है। चलो देखते हैं यार, देखो मैंने तुमको ना अभी रिसेंटली रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पढ़ाया था अपने किसी लेक्चर में, ठीक है, तो वो कहां पर है, ये ट्राई करता है राजस्थान में। अभी रिसेंटली बताया था कि राजस्थान का भी चौथा टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का भी फोर्थ टाइगर रिजर्व है, तो अभी ये हमारे देश का 52nd टाइगर रिजर्व भी बना था, 52nd, और ये लेटेस्ट था। अभी जो गुरु घासीदास बन गया है वो हमारे अब देश का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व हो गया, 53rd टाइगर रिजर्व हो चुका है। तो इससे पहले चूंकि यही था और वो राजस्थान का भी फोर्थ टाइगर रिजर्व था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया अभी पढ़ाया। ठीक है फिर देखो, कमलांग टाइगर रिजर्व ये लाई करता है बेटा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और ये देश का जो है वो हाफ सेंचुरी वाला टाइगर रिजर्व था, 50th टाइगर रिजर्व था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 50th टाइगर रिजर्व। ठीक है आगे देखो, नागार्जुन श्रीसलम टाइगर रिजर्व ये लाई करता है कहां, आंध्र प्रदेश के अंदर लाई करता है। इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनली बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये जो है ये बेटा हमारा फर्स्ट टाइगर रिजर्व था, ये देश का पहला टाइगर रिजर्व था, इवन बिफोर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना, बीएनसी सेम है, कहां सेम है, अच्छा बीएनसी सेम है क्या, ऐसा है क्या, 1 2, अच्छा बीएनसी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यार अब तुम्हें आंसर पता चल गया ना चलो कोई बात नहीं, स्कैम हो गया ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैच तो करा लेते हैं। हाँ भाई 1 का डी है, तो यार देखो 1 का डी, ये दोनों ऑप्शंस बचते हैं खाली, 1 का डी जिसको पता था तो उसने दो एलिमिनेट कर दिए। और मैं तुमको बताऊं यूपीएससी भी ऐसी करेगा, आपको सारे ऑप्शंस जा पता हो वो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, आप एलिमिनेशन कर ले जाए, आपको अगर एक आंसर ही पता होगा ना एक ऑप्शन, तो आपको दो ऑप्शन निकलवा देगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, 2 का यहां पर ए है, बिल्कुल सही है, 2 का ए हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3 का सी ये है, अरे सेम कहां है, ये 4 का सी लिखा हुआ है, 3 का बी लिखा हुआ है, थोड़ा ऐसे लिख दिया ना, इसको बस इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है ना, ऐसे चेंज करोगे चल जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है 3 का बी तो नहीं है यार, 3 का सी है, तो आंसर क्या हो गया इसमें, आंसर इसमें हो जाएगा सी, सी इज दी करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। ठीक है बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, यस चिराग निषाद पूछ रहा है क्या कोरिया एक डिस्ट्रिक्ट है, यस कोरिया इज अ डिस्ट्रिक्ट, कोरिया एक जिला है, ठीक है छत्तीसगढ़ के अंदर, यस नंबर डिफरेंट थे कनिष्क मालव। ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक इंटरेस्टिंग न्यूज तुम लोगों के लिए आ रही है, तुम लोग हमेशा प्लान करते होगे गोवा जाने के लिए कि गोवा चलेंगे, प्लान बनाते हैं गोवा चलते हैं, तो यार गोवा की तरफ से एक न्यूज आ रही है, वहां आप जाते हो तो एक आप ड्रिंक बहुत ज्यादा कोशिश करते हो कि फेनी, एक ड्रिंक का नाम आपने सुना होगा, सभी के चेहरे इससे खिल उठेंगे है ना, तो फेनी जो ड्रिंक है उसके लेकर यहां पर गोवा में एक म्यूजियम बना दिया गया है, ठीक है, और उस म्यूजियम का नाम यहां रखा गया है ऑल अबाउट अल्कोहल, ये म्यूजियम का नाम है, ये म्यूजियम का नाम है ऑल अबाउट अल्कोहल, गोवा गेट्स इट्स फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम इन कैंडुलिम, कैंडुलिम अगर आप गोवा गए होंगे तो आपको पता होगा कैंडुलिम यहां पर ये गांव है, ठीक है, और यहां पर एक बीच भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडुलिम बीच, काफी फेमस बीच है, ठीक है, काफी फेमस बीच है कैंडुलिम बीच,
तो यहां पर क्या हुआ, कैंडोलिम में गोवा का पहला अल्कोहल म्यूजियम यहां बन चुका है, ठीक है। गोवा का फेनी को जीआई टैग मिला है, गोवा का, बिल्कुल सही मोहम्मद फैजल स्टडी, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका अब जो ओरिजिन है, ये फेनी कहां से आया, उस पर्टिकुलर चीज को ये डिस्प्ले किया जाएगा उस म्यूजियम में। तो आपको पता है फेनी है, चूंकि वो गोवा से ओरिजिनेट हो रहा है, तो जो भी उसकी हिस्ट्री रही है भारत से लेकर ब्राजील तक उसके चर्चे हैं, कोई भी गोवा जाता है तो फेनी को ट्राई करना जरूर चाहता है, ठीक है। कह रहा है सर चाइना कट्टा शांति कहता है, सर व्हाई चाइना डज नॉट डू मेनी मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी इस पे आएंगे, पहले हम इसको बात कर लें, ठीक है। तो देखो यार, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि गोवा में जो म्यूजियम खुला है उसका नाम क्या है, ऑल अबाउट अल्कोहल, या पूछ सकता है कि गोवा का जो पहला फेनी, या पूछ सकता है कौन सा यहां पर प्रोडक्ट के लिए गोवा ये म्यूजियम खोला गया है, तो वो फेनी के लिए, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहां पर याद रखना, ठीक है। बिल्कुल पूछा जाएगा यार, एनडीए, दिस इज बेसिकली योर करंट अफेयर्स, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है ये फेनी क्यों, क्योंकि फेनी हमारे कल्चर, हमारा जो गोवा से स्टार्ट होता है वो काफी फेमस है, कैसे ये फेनी आया, कैसे इसको प्रमोट किया गया, है ना। आज भी इसके यहाँ पर लोग जाते हैं तो फेनी के बारे में आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, है ना। तो काफी कुछ चलता है। चलिए, तो लैंड ऑफ फेनी है जस्ट गॉट अ म्यूजियम विच इज होल्डली डेडिकेटेड टू दी लोकली ब्रूड एल्कोहल। तो आपको पता है जो फेनी है ना वो काजू से बनती है, काजू आप पता है कैश्यू, काजू से यहां पर बनती है। अब इसको स्टार्ट किसने किया था, एक लोकल बिजनेसमैन थे, उनका नाम है नंद कुचकादर, ये उनका नाम था, कुद जो भी नाम है यार, नंदन पढ़ लो भैया, हमारे नंदन भैया जो थे, उन्होंने क्या किया, ये लोकल बिजनेसमैन थे और उन्होंने यहां पर ये बिजनेस फेनी का स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो नाम यहां रखा गया है म्यूजियम का, बताया मैंने आपको, ऑल अबाउट अल्कोहल रखा गया है, एंड दिस म्यूजियम इज बेसिकली लिंक्ड टू द फैक्ट्स ऑफ फेनी। और इसमें यहां पर आपको बताया गया किस तरह से यहां पर कैश्यू बेस्ड अल्कोहल बनाया जाता था, फेनी जो कैश्यू बेस्ड अल्कोहल है कैश्यू से बनती है, ठीक है ना। वो कह रहा है दारू है क्या, चलो भाई आगे देखो, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं। एक और न्यूज सामने आ रही है प्रीलिम्स के, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल और अपना स्टेट बर्ड यहां पर डिसाइड कर लिया है। देखो यार हुआ क्या, आपको पता होगा कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक स्टेट हुआ करता था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर 2 साल पहले की बात है, जब जम्मू एंड कश्मीर क्या था, ये एक फुल फ्लेज्ड स्टेट हुआ करता था, फुल फ्लेज्ड स्टेट। अब क्या हुआ है कि भाई जब तक ये फुल फ्लेज्ड स्टेट था, तो स्टेट था फुल फ्लेज्ड स्टेट, तो हर स्टेट का क्या होता है, हर स्टेट का होता है यहां पर एक एनिमल, स्टेट एनिमल भी होता है, ठीक है। तो कश्मीर का क्या था, हंगुल, ठीक है। कश्मीर का, यहाँ जम्मू कश्मीर क्या था, हंगुल। और उनके बर्ड की बात करेंगे, तो बर्ड की बात करोगे तो यहां पर ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये इसकी यहां पर जो वो थी स्टेट बर्ड थी। अब क्या हुआ, चूंकि ये इस जम्मू कश्मीर को स्टेट खत्म करके अब यहां यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो यहां पर दो पार्ट बने हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक हो गया है यूटी ऑफ जे एंड के, एक तो ये बन गया है, और दूसरा एक यूटी ऑफ लद्दाख फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब चूंकि यूटी अलग अलग हो चुके हैं, तो इनका अलग अलग अब स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल होगा। अब वो ऐसा स्टेट बर्ड स्टेट एनिमल क्यों रखते हैं, सिंपल सी बात यह है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर स्टेट में जो एक बर्ड या एनिमल जो ज्यादा मिलता है, या जो जो बेसिकली उसकी एक पहचान होती है, उसको यहाँ स्टेट बर्ड या स्टेट एनिमल मान लिया जाता है। बट ऐसा भी किया जाता है कि अगर वो स्पीशीज वहां एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उसको बचाने के लिए उसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर देते हैं, स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर देते हैं, ये भी यहां पर बताया जाता है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है कि अभी तक जब तक जम्मू एंड कश्मीर फुल फ्लेज स्टेट था, तो एनिमल और बर्ड यही था, तो यहां पर ब्लैक नेक्ड क्रेन ये इसका बर्ड हुआ करता था। अब क्या हुआ, चूंकि ये दोनों बाइफर्केट हो गए हैं, तो इनकी डिमांड्स भी अब अलग अलग हो गई हैं। चलिए देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो लद्दाख ने यहां क्या किया है, लद्दाख ने अडॉप्ट कर लिया है इनडेंजर्ड स्पीशीज है, एक तो स्नो लेपर्ड को किया है। स्नो लेपर्ड जो है अब ये स्टेट एनिमल बन गया। देखिए मैं लिख रहा हूं स्टेट एनिमल, आप कहोगे सर अब तो लद्दाख एक यूटी है ना, तो आप उसको स्टेट क्यों लिख रहे हो, यार हाँ यूटी ही है, लेकिन उसको नोशन नोट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम स्टेट एनिमल ही उसको बोल रहे हैं, ठीक है वो यूटी, ठीक है ये वो समझिएगा कि यूटी नहीं है, ठीक है। दूसरा ब्लैक नेक्ड क्रेन, जो यहां पर ब्लैक नेक्ड क्रेन है वो लद्दाख की ब्लैक नेक्ड क्रेन अब हो चुकी है, ठीक है ना, लद्दाख की ब्लैक नेक्ड क्रेन ये अब यहां पर हो चुकी है, क्लियर हो गया। तो ये एक स्टेट एनिमल हो चुका है, ये अब एक स्टेट एनिमल हो गया है, और स्टेट बर्ड यहां पर ब्लैक नेक्ड क्रेन हो गया है।
जब से ये अब ये लद्दाख ने इसको मान लिया है। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो ये पहले था ये सिर्फ लद्दाख के रीजन में मिलता है, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड था, जब तक ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक फुल फ्लेज स्टेट हुआ करता था, यानी 5 अगस्त 2019 को जब से ये दोनों स्टेट ये स्टेट को बाइफरकेट किया गया, उसके बाद से चीजें अलग अलग हो गई, स्टेट एनिमल अलग होगा, स्टेट बर्ड अलग होगा, ये सब चीजें अलग अलग होंगी। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड की बात करें, स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड इसके नंबर देखिए आप वर्ल्ड वाइड हुज नंबर्स आर ड्विंडलिंग कम हो रहे हैं, उसको यहां पर वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है अंडर दी IUCN रेड लिस्ट, याद रखिएगा। क्योंकि देखो आपसे पूछ सकता है स्नो लेपर्ड को, मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको स्नो लेपर्ड, मैंने आपको अभी किसी लेक्चर में कवर भी किया था, चूंकि ये स्नो लेपर्ड एक स्टेट एनिमल हो चुका है अब लद्दाख का, यूरियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का, तो उसके ऊपर पूछ सकता है, पूछेगा कि स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, विच ऑफ दी फॉलोइंग पूछ लेगा, तो वो आपको वहां पर बताना पड़ेगा। या अगर वो उसने स्टेटमेंट दे दिए कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्नो लेपर्ड, तो एक स्टेटमेंट देगा कि इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख, दूसरा देगा कि इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो वेबसाइट कहती है IUCN की कि ये वल्नरेबल स्पीशी है। क्या है? वल्नरेबल स्पीशी। सर क्लास कब तक चलेगी? बस खत्म होने वाली है, ठीक है, ऑलरेडी हम लद्दाख पे पहुंच चुके हैं। तो ये वल्नरेबल स्पीशी है अंडर द रेड लिस्ट ऑफ IUCN, ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में आती है, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अब देखो यार, चूंकि यहां पर ये ऑलमोस्ट हम एंड पे आ ही गए हैं, यहां देखिए मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, तो हम ऑलमोस्ट लद्दाख को कवर कर चुके हैं यहां पर, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं जहां मैं आपको बताने वाला हूं। चलो भाई, ये क्यों दिखा दिया मैंने तुम लोगों को यार, पहले चेंज कर देते हैं वरना तुम लोग ना सवाल जवाब देख लोगे सारे। चलो भाई देखो, इस क्वेश्चन को करके बताओ। अब इस क्वेश्चन के तहत मैं आपको एक और चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ये एक नया टॉपिक ही है, ठीक है। चलो देखो जरा, इसको मैं लिख देता हूं अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में लिख देता हूं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की कैटेगरी में आ रहा है ये। चलिए भाई बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए, बताइए ये जो आप देख रहे हो दिस पर्टिकुलर थिंग रेक्स एमके टू ये क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बाद में स्टेटमेंट देखिए और अब बताइए कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। इट इज अ रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट विच कैन पेट्रोल बैटल जोन्स। ये एक रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट है जो जहां बैटल्स हो रही हैं उनको उनकी पेट्रोलिंग कर सकता है, वहां पर जाके चीजों को पेट्रोल कर सकता है। बच्चों के आंसर आने लगे, ठीक है। दूसरा है इट इज डेवलप्ड बाय ईरान, इसको ईरान ने डेवलप किया है। हाँ भाई, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है बताइए जरा। MOD तो पड़ेगा कब? अच्छा, 1111, क्योंकि तुम लोगों ने देख लिया कि वो इसराइल ने बनाया। बेटा बहुत चालू हो तुम लोग। सही है, ए ओनली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको किसने बनाया हुआ है बताइए, किसने बनाया बता दो यार, तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। हाँ जी, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं 3। हाँ जी बताइए। यस 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 यस, बताइए बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही है, इसको बनाया किसने? इसराइल। अब आया कैडेट हेमंत सोनी का, इसराइल ने इसको यहां पर बनाया है, इसराइल ने इसको यहां पर बनाया है। अब ये जो आप देख रहे हो, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ये जो रेक्स आप एमके टू दे, वेरी सॉरी, इसके बारे में कुछ चीजें यहां पर हम पढ़ देते हैं। तो देखिए, इसराइल की जो यहां एरोस्पेस इंडस्ट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं ISIAI, ठीक है, इसने यहां पर इस पर्टिकुलर रोबोट को बनाया हुआ है रेक्स MK2। ये एक अनमैंड लैंड प्लेटफॉर्म, क्या है ये? एक रोबोट है जो बेसिकली इंटेंडेड टू कीप द ट्रूप्स आउट ऑफ हार्म, मतलब ये रोबोट जो है अपने ट्रूप्स को सारी जानकारी देता रहेगा, कैसे कि ये बैटल में जाके ऑलरेडी पेट्रोलिंग करने लगेगा पहले से, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है उनके ट्रूप्स को मिलती रहेगी कौन सी चीज कहां पर है, ठीक है ना। इस सेंस में यहां पर ये रोबोट जो है वो गैदर करेगा सारी इंटेलिजेंस सब जानकारी ग्राउंड ट्रूप्स के लिए, ताकि वो इंजर ना हो, ठीक है ना। कैरी इंजर्ड सोल्जर्स, अगर कोई सोल्जर इंजर्ड हो रहा है तो कैरी कर लेगा, उसको चीजें सप्लाई करेगा, को सब खत्म हो गया, पता चला बंदूकी खत्म हो गई, गोली खत्म हो गई, तो लेके याद दे आएगा, ठीक है। बच्चा कह रहा है पीछे देखो, पीछे कौन है भैया पीछे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसराइल
इजरायली मिलिट्री यहां पर ऑलरेडी इस तरह के कई सारे स्मॉलर व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहा है, रोबोट है लेकिन एक तरह का व्हीकल है, लेकिन बट सिमिलर व्हीकल जिसको हम लोग बोलते हैं जैगवार टू पेट्रोल द बॉर्डर्स विद द गाजा ट्रिप, ये भी इस्तेमाल हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैगवार क्या है ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैगवार जो है, जैगवार का इस्तेमाल भी इसराइल कर रहा है किसके लिए, जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी जिसको बोलते हैं, उसके बॉर्डर्स को यहां पेट्रोल करने के लिए। तो गाजा के बॉर्डर्स को पेट्रोल करने के लिए, पेट्रोलिंग मतलब वो वाला नहीं गाड़ी में चलता है, पेट्रोलिंग मतलब क्या करते हैं, कश लगाना कहते हैं, कश लगा रहे हैं, वो वाला कश नहीं, मतलब ये कश गश्त लगाना कहते हैं, गश्त, ठीक है। ऐसे पेट्रोलिंग हो रही है, लोग पुलिस आ जा रही है, इसका यहां पर किया जाता है, ठीक है। आरएसके पिक्चर्स फोटो रेडिंग, पीछे देखो पीछे क्या हो गया भाई, पीछे देख रहे बताओ। चलो भाई अब यार देखो यहां पर ये तो हो गया आपके लिए, इसके लिए इंफॉर्मेशन सारी जो आपने पढ़ा। रेक्स एमके टू क्या है, रिसेंटली न्यूज में था, आपसे पूछ सकता है किसने बनाया है ये, तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए एक लाइन में, इसराइल ने बनाया है, ठीक है। अब जरा देखो मैं आपको इसी से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर बात आई है इसराइल की, यहां पर बात आई है किसकी, गाजा स्ट्रिप की आई है, तो मैं आपको थोड़ा यहां पर इसकी ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहता हूं, आपको क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। अब ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज द वर्ल्ड मैप, चलिए इस पर फोकस करिएगा प्लीज मेरे साथ, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं। ये है वर्ल्ड मैप, और इसमें अब मैं आपको लास्ट फ्यू मिनट्स का बचा हुआ है, इसमें मैं आपको जूम करना चाहता हूं, मैं आपको ले जाना चाहता हूं, ये आप देख रहे हैं, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद मैं आपको वर्ल्ड के इस एरिया में ले जाना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा इजिप्ट, ठीक है। ये जो आपको वाटर बॉडी मिल रही है ये क्या है, ये है रेड सी। ये जो वाटर बॉडी मिल रही है ये क्या है, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूं, मैं इस जगह पे जूम करने जा रहा हूं, इस जगह पे आपको थोड़ा सा जूम कर दिखाता हूं कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। जरा देखिए अब इस मैप को देखिएगा मेरे साथ, होपफुली आपको ये भी दिख रहा हो। तो यार ये आप देख रहे हो, ये है इजिप्ट, ठीक है। उस जगह मैंने यहां पर जूम किया, ये इजिप्ट दिख रहा है। इजिप्ट के बाद आप अगर जाएंगे तो ये जो कंट्री दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो कंट्री दिख रहा है ये है इसराइल। ये है कंट्री कौन सा, इसराइल। और यहां पर आपको एक ऐसा दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा होगा। चलिए अब यहां होपफुली आपको अच्छे से मैंने बॉर्डर बना दिया है, कंट्री आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पूरा बनाया जाएगा राजपथ से लेकर पूरा सारे बिल्डिंग्स। चलो देखिए इसको, तो यार ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो एरिया, ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये कहलाता है गाजा स्ट्रिप। क्या बोलते हैं इसको, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। ये देखना अब जरा एक बार देखो, और मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा ये दिख रहा है, आर यू एबल टू सी दिस वाला मैप, कृष्णा जलन आएगा बेटा, सब चीजें थोड़ी एक बार में लेक्चर में आएंगी, आ जाएंगी, ठीक है। ये चीज देख पा रहे हो, और अगर नहीं दिख रहा है तो अब बताओ, अब दिख रहा है, विकिपीडिया से निकाला हुआ है मैंने इसको, बताइए दिख रहा है, यस आई कैन सी द डॉट, आई कैन सी द डॉट, हाँ जी। चलिए इसके बारे में अब यहां पर थोड़ा सा देख, क्लियर नहीं है अभी, कुछ क्लियर हुआ, मैं यहां पर थोड़ा ट्राई कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा ब्लर है कोई बात नहीं, मैं आपको बॉर्डर्स बना के समझा देता हूं। देखिए यार ये जो आप देख रहे हो, दिस एंटायर एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये देखिए, बहुत चीजें जानने को मिलेंगी, बहुत चीजें जानने को मिलेंगी, प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी इसराइल और पैलेस्टीन और गाजा स्ट्रिप के बारे में। देखिए जरा ये है आपका जो एरिया दिख रहा है, दिस इज योर वेस्ट बैंक, ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं गाजा स्ट्रिप। क्या बोल रहे हैं इसको, गाजा स्ट्रिप। अब देखना जरा ये जो इसराइल है, बाकी जो येल्लो वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये इसराइल का एरिया है, ठीक है ना, ये इसराइल का एरिया है। तो ये याद रखो, वेस्ट बैंक, आपसे हो सकता है लिख दे कि वेस्ट बैंक का बॉर्डर जो है वो शेयर होता है मेडिटेरेनियन सी से, तो यार देखो ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी। ज्योग्राफी पूछ सकता है, आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में कहां से आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में आएगा। आप देखो करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते आप सारा स्टैटिक भी कवर कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको हो सकता है स्टेटमेंट दे दे कि वेस्ट बैंक शेयर्स बॉर्डर विद मैं लिख रहा हूं मेडिटेरेनियन सी, एमएस लिख रहा हूं, ठीक है।
तो ऐसा कुछ है नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। गाजा स्ट्रिप पतला सा स्ट्रिप है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको यहां पर एक आपको दिख रहा होगा सी, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये, ठीक है। अब बताइए मुझे ये कौन सा सी है, ये सी कौन सा है? सर यू कैन यूज गूगल अर्थ दो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं गूगल अर्थ ही ले आऊंगा यार। चलिए बताइए आकाश सिंह, थैंक यू सो मच, बताइए ये कौन सा यहां पर सी दिख रहा है आपको? व्हाट इज दिस सी कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? डेड सी, डेड सी है यहां पर। हाँ जी सर, लाइट ऑन करो भूत दिख जाएगा। रेड सी, डेड सी, बाल्टिक, कुछ भी बोल रहे हो यार, डेड सी, बताइए तुम लोग कैसे भी कसूची बोल रहे हो। प्लीज सी यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है प्लीज यहां बताइए क्या है? कैस्पियन कौन बोलेगा? कैस्पियन बताएगा मुझे कोई? कैस्पियन, हा जी, रेड सी तो नहीं है यार, रेड सी तो नीचे दिख रहा है, मैंने बताया नहीं, रेड सी तो उसके नीचे है, यहां ही नहीं रेड सी, रेड सी तो ये है, देखो रेड सी तो ये है, ये है रेड सी, बताओगे मुझे? ये है रेड सी, ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन सी। यहां पर एक कैनाल है आप देखोगे इस जगह पे, ठीक है, जो कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, बताइए कौन सी कैनाल है? विच कैनाल कनेक्ट्स रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी, बताइए। बता चुका हूं आपको मैं, स्विस कैनाल, स्विस कैनाल। अगर आप लोग पढ़ते होंगे, इफ यू हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम एमआर सर, आप जानते हैं मनीष राज सर को, एमआर सर को जानते हैं, तो एमआर सर हमारे मनीष राज सर हैं, उनसे याद कर लो कि जो स्विस कैनाल है ये कनेक्ट करती है एमआर सर को, किसको कनेक्ट करती है? एमआर सर को कनेक्ट करती है। एमआर मतलब एम से हो गया मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन, ठीक है ना, और यहां पर आर से हो गया रेड सी, तो ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। स्विस कैनाल किसे कनेक्ट करती है? एमआर सर को कनेक्ट करती है। स्विस कैनाल किसे कनेक्ट करती है? एमआर सर को कनेक्ट करती है। स्विस कैनाल किसे कनेक्ट करती है? एमआर सर को कनेक्ट करती है। ये चीज यहां पर याद कर लो, ठीक है। अब जरा, हां अब बताओ मुझे फिर से, पानी वालों सी, ठीक है, बताइए। कृष्णा जलन ने बोला है अब कैस्पियन सी, अब एक मुझे आंसर मिला है कैस्पियन, हाँ जी कैस्पियन सी, हाँ जी हाँ जी बताइए, कैस्पियन सी गलत हो गया, डेड सी है भाई। कैस्पियन सी यहां पर एक इनलॉक वो है, चेक करें, चेक प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना। रुक क्यों रहा है? डेड सी, ठीक है। तो यार देखो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज योर डेड सी, इसको याद रखिएगा, ये आपका डेड सी का एरिया है, और ये बॉर्डर करता है जॉर्डन और आपके इधर, तो ये एक तरह का नेचुरल बाउंड्री बन जाता है, नेचुरल बाउंड्री। इधर आपको मिलेगा इजराइल, ये जॉर्डन, इधर मिलेगा वेस्ट बैंक, ये जॉर्डन, तो ये एक नेचुरल बाउंड्री बन जाता है। ये थोड़ा सा आप इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो याद रखिएगा। अब एक यहां पर और नीचे पानी का सोर्स है जो इजराइल से कनेक्ट होता है, वो आप यहां बताइए कि ये कौन सा पानी का सोर्स है, बताइए मुझे, कौन बताएगा? यहां पर एक गल्फ लाई करता है, प्लीज टेल द नेम ऑफ दिस गल्फ, इस गल्फ का नाम बताइए, प्लीज टेल द नेम ऑफ दिस गल्फ। हाँ जी हाँ, कैस्पियन तो मैंने इसलिए बोला ही नहीं, ठीक है, बताइए गल्फ कौन सा है, कौन करेगा इसका आंसर? लास्ट चीज है, इसके बाद खत्म कर रहे हैं हम लोग, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टू यू ऑल। यार ये तो रेड सी तो ये है ना, मैं इस गल्फ की बात कर रहा हूं, ये कौन सा गल्फ है, ये कौन सा गल्फ है बताओ? अकाबा, बिल्कुल, गल्फ ऑफ अकाबा,
ये है पूरा गल्फ ऑफ अकाबा यहां पर। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन जरूर याद रखिएगा, इन पे भी यहां पर क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां हमारा ये पूरा लेक्चर खत्म होता है, होपफुली आपको इसमें समझ में आया हो, क्लियर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। हो गया छुट्टी हो गया, मजा आया, इंफॉर्मेशन में मजा आया, डिड यू ऑल लाइक दी क्लास। भाई देखो पढ़ने का तरीका यही होगा, क्योंकि एग्जाम यूपीएससी का है, एक बात ध्यान रखना कि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, ये वो नॉर्मल एग्जाम्स की तरह नहीं है जो आप और एग्जाम्स देते हो। अगर मैं और एग्जाम्स की बात करूं तो वो एग्जाम्स आपके 12th लेवल पे जो होते हैं ना, जो आप एग्जाम्स दे रहे हो, जैसे वो सारे एग्जाम्स आपको कॉलेज दिलाएंगे, आपको कॉलेज मिलेगा उससे, है ना, चाहे आप नीट क्वालिफाई कर लो, चाहे आप जेई क्वालिफाई कर रहे हो, है ना, इजंट इट। बट ये एग्जाम का जो आप बात है ना, इस एग्जाम से आपको एक जॉब मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है, ये एग्जाम एक प्रेस्टिजियस पोजीशन, एक प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए एग्जाम है, तो आपसे यार ये एग्जाम भी कुछ अलग चीज डिमांड करेगा, कुछ अलग चीज जरूर डिमांड करेगा, क्योंकि ये एग्जाम्स उन सारे एग्जाम्स में नहीं है जो आप सोच रहे हो अभी तक आप फेस कर रहे हो। ये एग्जाम आप कुछ को कुछ अलग चीज देगा, हम जैसे लोगों के लिए, इफ वी आर मिडिल क्लास पीपल, फॉर पीपल लाइक अस, हम लोग जो एकदम मिडिल क्लास हैं, ये एग्जाम हम लोगों के लिए, मतलब समझ रहे हो, हमारा स्टेटस ही बदल देगा। आज हम लोग इस साइड बैठे हुए हैं, ये एग्जाम सिलेक्शन हुआ, एनडीए एग्जाम सिलेक्शन हुआ, और एनडीए के बाद यू आर, आप अलग साइड पे आ जाओगे ना, यू विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपकी मुलाकात हो रही है, अलग ही हो जाएगा फिर आपके लिए, देश में आप एक डिस्टिंग्विश्ड तरीके से जाने जाओगे, अलग आपका अलग यूनिफॉर्म होगा, अलग रुतबा होता है उस चीज का, तो डिफरेंट तो होता है यार, डिफरेंस आपको जरूर मिलेगा बाकी एग्जाम्स में और ये एग्जाम, खास तौर से जब ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो आप अपने सर पे, आप अपने कंधे पे, अपने शोल्डर्स पे वो चीजें मांग रहे हो, तो वो चीज भी, वो जो बैचेस मांग रहे हो, चीजें आप जो पोस्ट मांग रहे हो, वो आप जगह जो मांग रहे हो, आप जो जो आप ट्रेनिंग एकेडमी मांग रहे हो एनडीए की, अगर आप उसकी बात करोगे तो यार वो जगह भी आपसे कुछ मांग करेगी। सिंपल, सबको नहीं मिलती है, जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है उनको मिलती है। मैं तुमको एक बात बता के जाता हूं, लास्ट चीज बता रहा हूं कि यार देखो, सब लोग यहां पर, जितने लोग आप लोग हो गए, मैक्सिमम लोग उसमें से ऐसे हो गए जो मैथ्स, जो फिजिक्स, जो साइंस में केमिस्ट्री, जो जनरल साइंस की बायोलॉजी, ये सब पढ़ते आए हो, ठीक है ना, ये सब पढ़ते आए हो, जो इस एग्जाम, ये सारे, इनके सारे क्वेश्चन सब लोग कर ले जाएंगे, इसके क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, लेकिन जो चीज डिफरेंस बनाएगी वो है इस एग्जाम में जीएस, क्योंकि बाकी मैथ्स होगा, सभी लोग यहां मैथ्स कर रहे हैं, सभी लोग मैथ्स पढ़ते हैं, 12th क्लास में मैथ्स लेकर बैठे होंगे, है ना, साइंस पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री आती होगी, जनरल साइंस थोड़ी बहुत आती है, वो भी आप पढ़ ले जाओगे, ठीक है ना, वो भी आप पढ़ ले जाओगे, बट जीएस इज अ पोर्शन जो आप पढ़ोगे, वही चीज डिफरेंस बनाएगी, जो पढ़ ले जाएगा, जो उसके 10 15 20 सवाल 30 सवाल एक्स्ट्रा कर ले, 10 सवाल जिसने एक्स्ट्रा कर दिए, 15 सवाल एक्स्ट्रा कर दिए, तो 15 मतलब 15 चौके 60, 60 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, आप इस साइड हो गए, आप उस साइड हो गए, इस चीज का वैल्यू समझिए, इस चीज की वैल्यू समझिए, द इंपॉर्टेंस फॉर योर जीएस इन दिस पेपर, ठीक है ना, आपको सिलेक्शन करना है तो आपको जीएस थोड़ा बहुत आना बहुत जरूरी है, मत जाइए इन डिटेल में, बट यस प्लीज डू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू जीएस। आई एम बार बार, मैं आप लोगों से इस चीज को लेकर बार बार कह रहा हूं, ये चीज मैं अभी तक किसी रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं कह पाया, बट आज आप लोग लाइव हो, आज आप लोगों से बात करने का मौका मिला है मुझे, तो मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगा कि डू गिव अटेंशन टू जीएस ऑल्सो, ठीक है। और जहां तक इंग्लिश की बात है, तो यार इंग्लिश के लिए हम लोगों ने जितनी क्लासेस शेड्यूल करी थी उतनी ही क्लासेस होंगी, कुछ भी कम नहीं होगा, अभी केमिस्ट्री चल रहा है, बट जैसे हम लोग इंग्लिश शुरू करेंगे तो लाइन से आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस होंगी, लाइन से। एंड डोंट फॉरगेट व्हाट आई एम सेइंग, आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया बाकी है अभी भी यहां पर अनाउंस होने के लिए, इट्स नॉट जस्ट कि हमने अपना इतना अनाउंसमेंट कर दिया एंड इट इज ऑल ओवर, नो, वी आर स्टिल इन मोड, आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं, वी वॉन्ट सिलेक्शन फ्रॉम यू ऑल, आप सिलेक्शन दीजिए यहां पर, आप जाइए एनडीए खड़कवासला, पहुंचिए वहां पर, अलग जिंदगी मिलेगी आपको, एक जिंदगी अलग हो जाएगी, ठीक है ना, अभी आप और एग्जाम्स की बात करेंगे उससे बहुत अलग एग्जाम है, तो मेहनत करिए यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, ठीक है, टिल देन हैव अ ग्रेट नाइट, एंजॉय करिए, मेहनत करिए और ये चीज रिवाइज भी करिएगा, ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।